यार लाइट नहीं है यार, तो बैड लग रही है। बैठ बैठ मिला तो नहीं गया, चले स्टार्ट। ओके, लास्ट टाइम जो हमारी डिस्कशन चल रही थी आई थिंक वो अभी हमने उनको वाइंड अप कर दिया है, तो इवनिंग जी इसी के साथ में, यानी कि चूंकि वो फॉरेन पॉलिसी वाला सेक्शन चल रहा था उसमें से एक दो चीजें मिसिंग थी, और उस दिन भी वो कोई इतना मजा नहीं आया था, यानी कि ना पढ़ाया तो था लेकिन उस टेम्पो के साथ नहीं था कि आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। तो एक तो लिखा नहीं था तो बोर्ड यूज नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली वो कि मेरी अपनी सेटिस्फेक्शन, वैसे मुझे लगता था आप लोगों ने तो कहा था दैट्स मोर देन एनफ, तो नहीं, लेकिन उसको हम दोबारा एक दफा करेंगे रिलेशंस को दोबारा से। तो वो लोग जो है हम अब एंड पे उस सेक्शन को डिस्कस करेंगे, एक दफा पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है उसको देखते हैं कि एक्चुअली ये जो मूवमेंट है और पाकिस्तान की डेवलपमेंट है ये स्टार्ट कहां से हुई है। बहुत सारे स्टूडेंट ये करते हैं तो मेरा जो अपना ओपिनियन है, जो मेरा इस एग्जाम के साथ थोड़ा बहुत रिलेशन रहा है या जितने लोगों से मैंने इंटरेक्ट किया है, मेरे ख्याल में सीएसएस के चार पिलर्स हैं, उनमें से पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, एसए, प्रेसी, ये चार पिलर ही है। इसके अलावा बाकी का जो सीएसएस है वो अगर आप इन चार के ऊपर स्ट्रांग हैं तो आपको मेरे ख्याल में किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं होगी। इन चार में से भी जो बैकबोन है वो है पाकिस्तान, ठीक है। अब स्टूडेंट्स करते क्या है, जब उन्होंने पाकिस्तान अफेयर को स्टार्ट करना होता तो कभी 1857 से स्टार्ट कर लिया, थोड़ा सा पढ़ लिया एक पैच, वहां से समझ लिया, फिर कुछ दिन बाद पता चला अच्छा वो बंगाल का इश्यू आया हुआ था तो वहां से थोड़ा सा देख लिया, फिर कभी आपने कोई पास पेपर उठाया आपको आइडिया हो अच्छा शाह वली अल्लाह को पूछ रहा है वहां से थोड़ा सा देख लिया। तो इस तरह हम सेगमेंट्स में पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप एक जेन्युइन स्टूडेंट है और एक जेन्युइन कैंडिडेट है और आप वाकई चाहते हैं कि मुझे सीएसएस के ऊपर की रिपोर्ट, तो डेफिनेटली मेरा ख्याल है सबसे पहले आपको पाकिस्तान अफेयर के ऊपर देखूंगी, बिकॉज अल्टीमेटली स्टार्ट कहाँ से लेना है, पाकिस्तान अफेयर से ही लेना है, एग्जाम कहाँ पे देना है, पाकिस्तान में ही देना है। तो ऑफ कोर्स इस सब्जेक्ट के ऊपर आपको मेरे ख्याल में फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, जहां से कोई चीज पूछे यू शुड हैव टू बी क्रिस्टल क्लियर अबाउट एवरीथिंग रिगार्डिंग पाकिस्तान अफेयर, ठीक है। और ये भी नहीं करना कि जी लेट्स सपोज के एक इवेंट पूछा तो दूसरे का आगे नहीं पता, नो, सीक्वेंस के साथ पूरी चीजें और हर चीज आपको क्लियर करके जो है आगे चलना। लेट्स सपोज मैं अभी एक एग्जाम्पल देता हूँ, अभी हम स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको बताता जाऊंगा कि ये चीजें आज कहाँ पे यूज हो रही है। अगर हम इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन भी देखते हैं तो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन को इतने एब्रप्टली जो है वो एस्टेब्लिश नहीं हुए,
उनके पीछे एक लॉन्ग हिस्ट्री है और उस हिस्ट्री पे भी हम बात करेंगे। यूपीएससी की एग्जाम्पल अगर इंडिया का यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, लाखों लोग क्लियर होते हैं उसमें, आई थिंक 30-32 लाख लोग क्लियर हो रहे होते हैं हर साल, उनका जो प्रीलिम होता है। तो सबसे पहले वो स्टार्ट पता है कहाँ से, इंडियन पॉलिटिक्स से। इंडिया को पहले पूरा समझ लो, वो स्टार्ट करते हैं क्लासिकल से, क्लासिकल के बाद फिर ये दरमियान वाला डेकेड, देन मुस्लिम्स का रूल, देन मुस्लिम्स के बाद ब्रिटिश, और देन ब्रिटिश के बाद 1857, और देन उसके बाद 1947, और उसके बाद और देन 2000 से ऑनवर्ड देन फॉरेन पॉलिसी। इस तरह वो अपनी चीजों को अरेंज करते हैं। मेरा जो अपना ओपिनियन है, जितनी मैंने बुक्स को रीड किया यहाँ पे परेशान करके लिहाज से, मेरा ख्याल भी यही है कि हमें क्लासिकल से स्टार्ट करना चाहिए। कहाँ से? 400 BC से स्टार्ट करेगी। एक्चुअली इस रीजन के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट कैसे हुई है और क्यों आज भी हिंदू मुस्लिम कंफ्लिक्ट, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी, आज भी हम कहते हैं कि हमारे हीरो कहते थे बाय एनी डेफिनेशन ऑफ नेशन दीस नेशंस आर डिफरेंट, दे कैन नाइदर इंटरटाइन इंटरमैरी, और इस तरह की सारी बातें करते जाते हैं, और इनके हीरोज और आइडियाज सारे के सारे क्या है, डिफरेंट है, और यही टू नेशन थ्योरी की वो क्या करते हैं, जस्टिफिकेशन देते हैं। तो क्लासिकल से स्टार्ट करें, पहले उसको समझे, यानी कि बीसी वाला पीरियड वहां पे क्या था, देन उसके बाद बीसी से लेके आप आए 712 तक। तो मेरे ख्याल में 4000 से लेके 712 तक का एक आप प्लॉट बना होना चाहिए, इस रीजन के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई है। देन 712 से मुस्लिम रूल स्टार्ट होता है, और मुस्लिम रूल लेके आए आप 1526 तक, जब तक मुगल आते हैं, देन ये सेकेंड ब्लॉक होना चाहिए, इसके अंदर आप सारी डेवलपमेंट्स देखें। देन 1526 से लेके 1857 तक मुगल और ब्रिटिश का राइज और मुगल का डाउनफॉल, यानी कि 1526 में मुगल आते हैं, देन वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड करते हैं, जैसे इब्ने खल्दून की थ्योरी है कि जो भी कोई अंपायर होता है पहले उसका एक इनिशियल स्टेज होती है, देन आहिस्ता आहिस्ता वो एक्सपैंड करता है, देन उसके बाद थोड़ा स्टैग्नेंट पीरियड आता है, और देन उसके बाद क्या होता है, कोलैप्स करता है। तो इस तरह हम देखेंगे कि 1526 से लेके 1857 तक किस तरह मुगल ने राइज किया, देन कैसे वो स्टैग्नेंट हुए, और देन कैसे डाउनफॉल की तरफ चले। देन उसके बाद नेक्स्ट सेंचुरी की जो डेवलपमेंट्स हैं उनके ऊपर हम डिटेल से एक एक इवेंट के ऊपर बात करेंगे, और उनका हम एनालिटिकल एनालिसिस भी करेंगे कि वो क्या इश्यूज थे और क्या डेवलपमेंट्स थी, और उनका पाकिस्तान और इंडिया की पॉलिटिक्स के ऊपर एक्चुअली क्या इम्पैक्ट रहा, वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो, वो पॉलिटिक्स हो जहाँ पे, वो सारी की सारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, वो मॉडर्नाइजेशन हो, वो रेल रोड हो, वो इलेक्ट्रिसिटी हो, या फिर वो जो हमारा ऑर्थोडॉक्सिकल स्ट्रक्चर था इकोनॉमी का, उसको कैसे उन्होंने रेवोल्यूशनाइज किया, जहाँ पे हम 1857 से लेके ये सारा देखते कहाँ तक जाएंगे 1947 तक। देन 1947 से पाकिस्तान की हिस्ट्री को फिर दोबारा देखना स्टार्ट करेंगे, जहाँ से देन फर्स्ट डेकेड ऑफ अनसर्टेनिटी देखेंगे कहाँ पे, 1947 से 58 तक, देन 58 से लेके 68 तक यू पीरियड, देन 68 से 71 तक याया का पीरियड, देन 71 से 77 तक भुट्टो साहब का पीरियड, देन 77 से 88 तक जियाउल्लाह का पीरियड, देन 88 से 99 तक अगेन डेकेड ऑफ अनसर्टेनिटी, जहाँ पे पहले बेनजीर भुट्टो, देन मियां नवाज शरीफ, देन बेनजीर भुट्टो, देन मियां नवाज शरीफ, देन मिलिट्री कू, और देन उसके बाद एक डेकेड देखेंगे मिलिट्री डिक्टेटरशिप का, कहाँ पे जो है हमारे पास परवेज मुशर्रफ का 1999 से लेकर 2010 तक, देन रिवाइवल ऑफ डेमोक्रेसी दैट 2008 से 2013 तक का पीरियड, देन 2013 से 2018 तक का पीरियड, देन 2018 से 2022 तक का पीरियड, अप्रैल तक का 9 अप्रैल, और 9 अप्रैल के बाद की जो डेवलपमेंट सारी की सारी हम देखेंगे। तो इस तरह एक स्ट्रक्चरल वे में आपने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। कहीं से भी कोई भी चीज आपसे पूछे रिगार्डिंग पाकिस्तान अफेयर, ऐसे स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ जिन्होंने सीएसएस क्रैक किया जस्ट ये एक पाकिस्तान अफेयर की बुनियाद पर, वो ऐसे भी अपना पाकिस्तान अफेयर वाला लिखते हैं, 10-12 टॉपिक्स आते हैं, तो उनमें से 3 से 4 जो होते हैं वो या तो पॉलिटिक्स होगी पाकिस्तान की, या इकोनॉमी होगी पाकिस्तान की, या सोशल स्ट्रक्चर होगा पाकिस्तान का, या कल्चर होगा पाकिस्तान का, या तो पाकिस्तान के रिलेशन होंगे किसी स्टेट के साथ, दैट्स फॉर फॉरेन पॉलिसी के ऊपर ऐसे आया हुआ था लास्ट ईयर। तो इस तरह इस सब्जेक्ट से ही वो अपनी सारी चीजें ड्राइव कर रहे होते हैं, तो ऐसे को यहाँ से वो क्रैक करते हैं। सेकेंड प्रेस की डेफिनेटली जब इतनी आपकी बॉस रीडिंग होती है और इतना आइडियाज होते हैं, मेरा नहीं ख्याल है कि आपको कंप्लीट करने में कुछ प्रॉब्लम होती है प्रेस को। देन फ्रंट अफेयर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अगर 6 है तो उनमें से 2-3 डायरेक्टली पाकिस्तान अफेयर से आते हैं, 2-3 जो है वो
ग्लोबल अफेयर में से आ रहे होते हैं, तो वहां पे भी आप इसको टच कर जाते हैं। देन पाकिस्तान फेयर इटसेल्फ जो है ये आपके पास है, और उसके बाद अगर आप पाकिस्तान इंडिया हिस्ट्री रखते हैं ऑप्शनल, तो ऑफ कोर्स वहां पे तो सारा ये चीजें कवर हो जाएगी, और अगर आप ये नहीं रखते तो बाकी के आपके ऑप्शनल में भी ये आपको पॉइंट आउट करती रहेंगी सारी चीजें। तो स्टार्ट हमने लेना है कि 4000 जीसी से एक्चुअली इस रीजन के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट कैसे हुई है। नाउ इट्स अप टू यू, अगर आप मुझे कहेंगे मैं 4000 से स्टार्ट कर दूंगा, अगर आप मुझे कहेंगे मैं क्लासिकल से स्टार्ट कर दूंगा, अगर आप मुझे कहेंगे मैं 712 से स्टार्ट कर दूंगा, अगर आप कहेंगे 1526 से स्टार्ट लेंगे, अगर आप कहेंगे 1857, और अगर आप कहेंगे तो 47 से। इट्स अप टू यू। थोड़ा ब्लाइंड इंटरेस्ट है आपका सर, वो 712 से अगर स्टार्ट करें ना तो पीछे जो पॉलिटिक्स है ना वो सारी की सारी आपके पल्ले ही नहीं पड़ेगी। आज जो मसला है ना एक्चुअली हमारा, वो सारे का सारा पहले इनको थोड़ा सा समझ लो कि हिंदू मुस्लिम कंट्रोवर्सी और टू नेशन जो निकल निकल के आ रही है। कल परसों का एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो वहां पे मुझे ख्याल आया कि एक्चुअली हिस्ट्री को पढ़ रहा था तो थोड़े रिवाइज कर रहे थे चीजें, क्योंकि मुझे पता था कि स्टार्ट करना है हमने पाकिस्तान के, तो 10-12 बुक्स जो मैंने देखी हुई थी उनको थोड़ा रिवाइंड किया चीजों को, तो मुझे वहां पे बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट नजर आई। वहां पे हुआ यह कि हमारे दो मिसाइल है, शायद मैंने आपको बताया भी है शॉर्ट में, इंटरेस्टिंग मिसाइल जो है गौरी और दूसरी तरफ कौन सा इंडिया का इसी के कंपिटेंट कौन सा है उनका शॉर्ट रेंज मिसाइल स्पेस टू स्पेस है, एयर टू एयर कौन सा हनुमान नहीं है और है पृथ्वी। एक्सीलेंट, तो दोनों की एक्चुअली वॉर हुई थी पीछे, पृथ्वीराज चौहान की और किसकी साथ में, आगे कौन था गौरी था शाहबुद्दीन गौरी, और आज भी वो आइडियोलॉजी चली आ रही है कंपटीशन वाली। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स है पूरी आपको हिस्ट्री, ऑफ कोर्स इंटेंशन यही तो चीज है ना अपना, हमने वो कहते हैं हमने अपना कल्चर नहीं भूलना, हम कहते हैं हमने अपनी सकाफत नहीं भूलनी, दोनों का एक अपना है। हम उन्होंने हमने गौरी बनाया तो उन्होंने उसके क्रॉसपॉन्डिंग क्या बनाया पृथ्वी बनाया, और जिस रेंज में वो था उसी रेंज में वो दूसरा बना दिया, और वो कैसे हुई चीजें हम देखते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं वो मैं लिख दूं वैसे स्ट्रक्चर एक दफा ये जो मैंने आपको बताया क्या आप सेल में रख लेंगे, अगर तो कहते हैं तो मैं लिख देता हूँ वो वाला सारा कोर्स आउटलाइन जो है। चलो दोबारा से एक मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ थोड़ा सा, दोबारा से देख ले जी, मैं थोड़ा सा वैसे ओवरव्यू दे देता हूँ उसके बाद हम उसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो है अच्छा जी, पहले अगेन 4000 से लेके 712 तक का एक ब्लॉक ना ले, सिंपल सा लिख लें, उसमें हर हर ब्लॉक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। 712 से लेके 1526 तक का सेकंड ब्लॉक ना ले, 4000 बीसी 4000 बीसी से 4000 बीसी से ले लें आप इसको 712 तक। चौथा फेज 47 से ऑनवर्ड आप लिखते हैं, ठीक है, ये एक जनरल सा स्ट्रक्चर है।
जनरल आइडिया तो होगा आपको। सबसे पहले देखते हैं कि ये रीजन में एक्चुअली डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट हुई। जब हमने सिविलाइजेशन को डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि तमाम जो ग्रेट सिविलाइजेशन है एक्चुअली वो किसी रिवर के बैंक के ऊपर ही डेवलप हो रही थी। समझ आई थी ना मेरी बात की? तो उसमें हमने इजिप्शियन को भी देखा, मेसोपोटामिया को भी देखा, और देन हमने यहाँ पे भी देखा कि इंडस सिविलाइजेशन जो एक्चुअली वो क्या थी, किस रिवर के ऊपर थी, ये इंडस रिवर के ऊपर थी। यहाँ पे शुरू में ही आपने एक अपना नैरेटिव बिल्ड करना है कि जो इंडिया आज क्लेम करता है कि भारत भारत माता यानी कि या अखंड भारत का वो नारा लगाते हैं कि ये पूरे का पूरा रीजन जो है ये किससे बिलोंग करता है, हिंदुइज्म से बिलोंग करता है, तो ये इसके ऊपर कोई सच्चाई नहीं है। इसके ऊपर जो लोगों का थीसिस है वो ये है, इत्तेजाज ऐसे जो इंडस सागा उसका सागा, उसमें उनका क्लेम ये है कि सर ये जो रीजन है यहाँ पे एक्चुअली दो सिविलाइजेशन थी, एक इंडस सिविलाइजेशन जो कि इंडस रिवर के ऊपर थी जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो होता है, और दूसरा जो है वो कौन सा है, गंजेटिक सिविलाइजेशन या गंजेटिक रीजन के ऊपर जो गंगा रिवर के साथ, उसको सिंधु भी कहते थे और उसको वैली का नाम दिया जाता था। तो ये दोनों को कहता है डिफरेंट है। उससे भी पहले एक डेवलपमेंट होती है 4000 के अंदर, जो ओल्ड हमारे पास है सिंध के अंदर, और यहाँ पे एक सिविलाइजेशन डेवलप होती है जिसे हम क्या कहते हैं, कोर डिजिटल सिविलाइजेशन। ठीक है, फर्टाइल रीजन था। ठीक है, पहली बात यह थी कि फर्टाइल रीजन था, डेल्टा था वहां पे इंडस रिवर का, और सबसे पहले एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट जो है स्टार्ट किया इस रीजन के अंदर, और देन आहिस्ता आहिस्ता वो एक्सपैंड करती है इधर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा वाली साइड पे। तो इस सिविलाइजेशन के सबसे पहले हमें आसार मिलते हैं 4000 की सी। सेकेंड जो स्टार्ट होती है जी, ये सिविलाइजेशन 4000 से ऑनवर्ड, यानी कि ये नीचे की तरफ काउंटर डाउन करना है इसको, नीचे की तरफ आती है 3000 BC तक, और देन 3000 से स्टार्ट होती है एक और सिविलाइजेशन जिसे हम क्या कहते हैं, इंडस सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन में दोनों मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये वाले दोनों रीजन जो है आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हैं, और अगेन जहाँ पे जो है एक एस्टेब्लिश्ड सिविलाइजेशन का वो डेवलप हो जाते हैं दोनों। क्या इनकी दोनों की डेवलपमेंट आपस में मिलती है या नहीं, तो यहाँ पे MCQ भी आ जाता है आजकल भी,
कि हड़प्पा जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है, तो कौन सा है? साइबर साइबर डिस्ट्रिक्ट है, तो ये जेन में रखिएगा इसका एमसीक्यू, साइबर डिस्ट्रिक्ट है इसका। अच्छा जी, अब ये पॉप जो है हमारे पास हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस सिविलाइजेशन जो है, देन ये एक्सपैंड करना शुरू कर दिया आस्ता आस्ता। इसका जो हमारे पास आज स्ट्रक्चर मौजूद है, अगर आप विजिट करें तो आप जाके देखेंगे, वेल ट्रेन्ड सिस्टम, ठीक है, और प्योर एग्रीकल्चरल सोसाइटीज वहाँ पे एग्रेरियन सोसाइटीज थी। एग्रेरियन सोसाइटीज ने क्या किया थी, मॉडर्नाइजेशन की एग्रीकल्चरल टूल्स के अंदर, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट्स के अंदर, और इस तरह जो है एक सरप्लस क्रिएट किया किसका, फूड का। ये तो था उनका सोशल स्ट्रक्चर इस तरह का। दूसरा ये है कि स्पिरिचुअल वैल्यूज की भी यहाँ पे हमें थोड़ी नजर मिलती है कि इसमें ये था कि एक ट्राइबलिज्म था, ऊपर तो समन होते थे, यानी कि जो सीनियर सिटीजन आप कह सकते हैं जो हेड ऑफ ट्राइब होते थे, और देन उसके बाद डिस्ट्रिक्ट क्लासिफिकेशन थी सोसाइटी के अंदर, एक क्लासिफिकेशन थी या सोसाइटल स्ट्रेटिफिकेशन थी। टॉप पे लोग कहते हैं सीनियर लोग जो है, और वो आज जो ब्लॉक्स बने हुए हैं तो उनके घर थोड़ा सा ग्राउंड लेवल से क्या होते थे, ऊपर होते थे। उसके बाद नीचे ड्रेनिंग सिस्टम है, और ड्रेनिंग सिस्टम के साथ आगे छोटे हाउसेस। तो यहाँ पे जो हिस्टोरियन है वो यही कंसीडर करते हैं कि इन रीजन के अंदर एक्चुअली जो है क्या हुआ होगा, आहिस्ता आहिस्ता एक क्लास स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो एग्जिस्ट करती रही होगी। देन उसके बाद इस रीजन की जो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आज की जो हमारी साइंटिफिक डेवलपमेंट्स है और जो आज का साइंटिफिक बैंड है वो हैरान रह जाता है कि क्या उस दौर के अंदर डेफिनेटली साइंटिफिक रिजल्ट। उसमें सबसे पहली चीज जो आप देखेंगे वो था उनका ब्रिक स्ट्रक्चर। अगर आप उनकी ब्रिक्स को एनालाइज करें, आज भी वो मौजूद है, तो उनका परफेक्ट वो वाला स्ट्रक्चर था जो आज के सिविल इंजीनियर कहते हैं कि ये एक बिल्डिंग ब्लॉक का स्ट्रक्चर होना चाहिए। उसका साइज होता था 7 × 14 × 28 cm। ब्रिक्स का साइज ये होता था 7 × 14 × 28 cm लिखिएगा। आज की जो रिसर्च है सिविल इंजीनियर जो कहते हैं वो कहते हैं कि इस ब्लॉक का साइज इतना परफेक्ट होता है कि ये आपकी ग्रिप के अंदर आ जाता है, जो आपका हैंड और इसकी ग्रिप जो है इसके ऊपर बड़ी एफिशिएंट आती है। और इस ब्लॉक से अगर आप बड़ा करेंगे तो भी आपकी ग्रिप, तो आपने देखा होगा जब जो है मिस्त्री जो है नीचे लगा रहे होते हैं तो वो ऐसे पकड़ाए जा रहे हैं और वो उस ग्रिप के साथ कैप्चर किए जा रहे हैं। तो इट मीन्स उस वक्त भी कुछ मैट्रिकल कैलकुलेशन थी। तो ये एक साइंटिफिक नॉलेज की आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। दूसरी जो बात यहाँ पे थी साइंटिफिक नॉलेज के रिलेटेड वो था ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये लोग उस वक्त भी ज्योमेट्री का नॉलेज रखते थे, ये सिमेट्री के बारे में जानते थे कि ये जो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं या ये जो स्ट्रक्चर हम डेवेल्प कर रहे हैं इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होनी चाहिए, इसका डिजाइन क्या होना चाहिए, इसको किस तरह डेवलप करना चाहिए। तो ये चीजें भी पास क्लासिकल पीरियड में मौजूद थी, ठीक है। उसके अलावा अर्बन प्लानिंग, जो आज हम बात करते हैं अर्बन प्लानिंग की, जो बेस्ट एग्जांपल्स जितनी भी सिविलाइजेशन को हम डिस्कस करें वो भी आपको कहाँ पे मिलती है, इंडस सिविलाइजेशन के अंदर मिलती है। तो जो सिटीज है अगर आप जाके देखें तो वेल प्लान जो है स्ट्रीट्स है वहां पे, और साम हॉल कुछ उनके अंदर जो है छोटे छोटे जो है वो पैनल्स छोड़े गए हैं। तो जो हिस्टोरियंस हैं उनका ख्याल ये है कि ये लाइटिंग सिस्टम भी शायद इस वक्त का होता होगा, तो उनके अंदर जो है लाइटिंग का सिस्टम करके उन्होंने पूरा एक वेल वेल जो है उनका क्या था अर्बन सिस्टम था। जैसे सुदून कहता है
अगर आप उसकी पॉलिटिकल साइंस के अंदर थ्योरी को देखें तो वो कहता है कि कोई भी एम्पायर हमेशा नहीं रह सकती। वो जहां तक हमने हिस्ट्री को डिस्कस किया है तो एम्पायर क्या होती है, स्टार्ट करती है कि पहले स्टैग्नेशन पीरियड, देन उसके बाद एक बूम पीरियड, देन स्टैग्नेशन पीरियड, देन उसके बाद डाउनफॉल और देन उसके बाद डिसइंटीग्रेशन। तो ये फुद्दून की थ्योरी जो अक्सर वो पूछता भी रहता है एम्पायर के ऊपर जो है। तो सेम इसी तरह हुआ 2000 के अंदर ये अपनी पीक को टच करती है, जो ये सिविलाइजेशन है इंडस सिविलाइजेशन 2000 बीसी के अंदर अपनी पीक पे होती है। 2000 के बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है यहां पे आना शुरू हो जाते हैं एक्सटर्नल्स, ठीक है, बाहर से लोग क्या करते हैं जी माइग्रेट करके इस रीजन के ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। क्यों आते हैं जी, उस वक्त सेंट्रल एशिया की अगर आप हालत को देखें तो सेंट्रल एशिया जो था वो इतना डेवलप्ड नहीं था, पहाड़ थे तो फर्टाइल लैंड इतनी ज्यादा नहीं थी, उसके अलावा वेदर का भी प्रॉब्लम होता था, एक्सट्रीम वेदर है वहां पे। तो एक एग्जिस्टेंस के लिए जो सर्वाइवल वाली बात हमने की थी वहां पे, तो सर्वाइवल क्या था वो एक्चुअली यहाँ पे मुश्किल था। तो लोग वहां पे सॉफ्ट माइग्रेशन, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अभी अटैक नहीं कर रहे लेकिन एक माइग्रेशन के जरिए से इस रीजन के अंदर आके सेटल होना शुरू हो जाते हैं। अब जब वो सेटल हो रहे हैं तो डेफिनेटली वो पीछे जाके बता भी रहे हैं कि भाई ये वाले रीजन में आप क्या कर रहे हो, उधर आपके पास फर्टाइल लैंड है, वहां पे आपके पास फूड सिक्योरिटी है, जहाँ पे सर्दियों में आप लोगों के पास जो है वो पहनने के लिए कुछ नहीं होता, वहां पे तो इतनी अच्छी क्लास का कपड़ा बनता है, वहां पे एग्रेरियन स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा डेवलप्ड है, वहां पे जो लोगों की सिविक लाइफ है वो बहुत बेहतर है। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये जो नॉलेज पेनिट्रेशन अबाउट दैट सिविलाइजेशन एक्चुअली ट्रांसफरेटेड टू दैट रीजन जो ऊपर वाला है सेंट्रल एशियन रीजन वहां। तो वहां से फिर सीरीज दो तीन है, लोग जो यहाँ पे आते हैं तो यहाँ से आते हैं आर्यंस, ठीक है, आर्यंस आते हैं 1300 के अंदर। तो यहां से हम आर्यंस एंड हिंदुइज्म, ये कोई इतने लेंथी लेक्चर नहीं होंगे, यानी कि दो लेक्चर होंगे जितने लेंथी तो होते हैं डेफिनेटली, 3 घंटे से ऊपर भी जाते हैं, लेकिन ये है कि यहाँ से आपकी बेस जरूर बनेगी। जब भी आप आज के कॉन्टेक्स्ट में कोई चीज बात करेंगे, चाणक्या को इतना ज्यादा आज भी इंडिया पॉलिटिक्स के अंदर डिस्कस किया जाता है, लेकिन आई थिंक किसी को ये आइडिया नहीं होगा कि चाणक्या कौन था और कहाँ से आया था, क्या उसकी आइडियोलॉजी थी, ठीक है। तो ये सारा क्लासिकल को आज भी वो भूलते नहीं है, सोमनाथ को आज भी वो उन्होंने डेवलप किया है, नालंदा यूनिवर्सिटी अभी 2010 के अंदर बनाई है, मैंने पिछले दिनों आपसे डिस्कस किया था कि इंडिया ने 2007 के अंदर जो है 7 से 10 यूनिवर्सिटी जो थी इंटरनेशनल लेवल की डेवलप करना स्टार्ट की थी, ताकि आईटी स्ट्रक्चर को जो है वो एक्सपेंड किया जा सके, और उसमें से एक जो है वो नालंदा यूनिवर्सिटी है, उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। नालंदा क्या था, जो अभी पाटलिपुत्र है या पटना जिसे शहर कहते हैं, पटना के अंदर ये क्लासिकल के अंदर बहुत बड़ी एक जो है यूनिवर्सिटी थी, मुस्लिम्स ने आके इसको तबाह किया था, तो मुस्लिम ने इतने अच्छे काम नहीं किए। तो ये ना समझे रहिएगा कि बस हम इनोसेंट है, हमने कभी कोई काम नहीं किया खराब, तो वो अभी भी अग्रेशन आ रहा है, तो हम न्यूट्रल होके देखेंगे यहाँ पे कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो यहाँ से आगे नंबर 3 के ऊपर जी, आर्यंस एंड हिंदुइज्म, पावर है कि नेचुरल पावर है, देन उस तरह की मूर्ति बना ली, तो जब वो बस सूर्य के ऊपर, हाँ लेकिन उसमें फिर भी जो ग्रीक वाला रीजन है वहां पे उस वक्त का ज्यूइज्म और जो क्रिश्चियनिटी थी उनकी टीचिंग भी चल रही थी साथ साथ, तो ये प्योरली ये वाला रीजन जो है ये उस तरफ नहीं था, भी वो वाला टच यूरोपियन रीजन वाला है वो यहाँ पे बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ पे टोटली क्या है यही इसी के ऊपर बुतों के ऊपर है, वही आर्यन जिसको एक्चुअली फॉलो कर रहे। वैसे आर्यन से अगर थोड़ा सा इसी पीरियड में देखा जाए ना, तो उसकी योवल नोआ हरारी की बुक है होमो सेपियंस, उसके अंदर वो ये डिस्कस करता है कि एक्चुअली ये जो एनिमिज्म के ऊपर बिलीव था ना, वो इसलिए था कि जो भी चीज उन्हें फायदा पहुंचाती थी ना, तो वो उसके ऊपर यकीन रख लेते थे कि यही हमारे सर्वाइवल के लिए जो है ये जरूरी है।
तो इस तरह ये एक्चुअली बुतों की पूजा वहां से स्टार्ट हुआ। वो जब लेट्स गो नेचर के ऊपर सूरज पे वो बिलीव करते थे, तो रात को सूरज तो नहीं आपके पास होगा, तो कह रहे थे कि सूरज की तरह की कोई मूर्ति बना लो या उसकी पूजा करो तो उस तरह की आपको फीलिंग्स आएंगी। तो ये इस तरह हिंदुइज्म की जो है वो बुनियादें आएगी। तो ये 1300 के अंदर आते हैं जी, रिजन के अंदर जिन्होंने पंजाबी ऑप्ट किया हुआ है वहां पे एक क्वेश्चन आता ही आता है। सीएसएस के अंदर भी यहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं पंजाबी में, और पीएमएस में तो डेट ऑप्शन भी नहीं होता आपके पास, ये क्वेश्चन आपने सॉल्व वहां पे करना ही करना है पंजाबी वालों में। वहां पे पंजाबी बोली का पिछोकड़ वो आसिफ खान वाली बुक का जब एनालिसिस पूछता है तो वो सारा यही है, आर्यन से ही बात स्टार्ट होगी। या पूछता है कि वो जो है पंजाबी जुबान के ऊपर दूसरे के किलियां दा असर, ठीक है, वो जब पूछेगा तो वो एक्चुअली यहीं से ड्राइव होगी 1300 से ऑनवर्ड। पीएमएस में 20 नंबर का क्वेश्चन है, वो करना ही करना पड़ेगा आपको। और सीएसएस में 2-3 अभी तो उसने वो शायर भी कम पूछना शुरू कर दिया, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। ऑफकोर्स मैं उसके ऊपर अभी सिंबल्स के ऊपर बात करता हूँ थोड़ा सा। ये आर्यंस के ही सिंबल्स थे, वो व्हील की बात नहीं है आज आपको, शायद मैं नेक्स्ट भी बताता हूँ वो सिंबल्स की मैं आगे बात करता हूँ, इसमें पूरा क्वेश्चन भी आता रहता है। अभी अगर आपने इंडियन सुप्रीम कोर्ट को देखा हो या इंडियन पार्लियामेंट में देखा हो तो वहां पे 3-line एम्बलम मिलता है आपको, 3 शेर जो है। कभी देखा है इंडिया की सुप्रीम कोर्ट का एम्बलम क्या है, या फिर इंडियन हाई कोर्ट के ऊपर जो एम्बलम लगा होता है 3 टाइगर्स लगे होते हैं, तो वो एक्चुअली वो भी यही से ही आए हैं सिंबल। तो वो मौर्यन चंद्रगुप्ता जो है उसका जो आगे आएगा तो उसके साथ ही है, ये एक्चुअली उसकी एक्सपेंशन थी अशोका की, तो अशोका ने ये पहली दफा दिए थे। तो मैं अभी उनके ऊपर बात करता हूँ, आप स्कूल से बैठे थोड़ा सा। तो आर्यंस एंड हिंदुइज्म 1300 BC के अंदर ये आते हैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे, तो देन उसके बाद फिर एक और एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये लेके आते हैं यहाँ पे हिंदुइज्म को, तो सबसे पहले आके यहाँ पे संस्कृत कल्चर या फिर वैदिक कल्चर या फिर हिंदुइज्म जो है वो सीजन के ऊपर प्रिवेल करते हैं, और यहीं से ही बुनियादें हिंदू मुस्लिम कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। हिंदू कहते हैं कि इस रीजन के ऊपर सबसे पहले हम लोग आके आबाद हुए हैं, हमारा राइट है, और हम वो भारत माता और अनडिवाइडेड इंडिया या यूनिफाइड इंडिया वो सारे कॉन्सेप्ट किनके हैं, इन्हीं के ही है। तो ये लोग इसी से ही स्टार्ट करते हैं 1300 BC से, तो ये यहां से अपना आर्गुमेंट ड्राइव करते हैं सबसे पहले। ये जब इस रीजन के अंदर आते हैं तो इनका जो लिटरेचर है वो भी इसी रीजन के अंदर डेवलप होता है, और इनकी जो हॉली बुक्स हैं वो भी सारी की सारी क्या होती हैं, इसी पीरियड में डेवलप होती हैं। कौन कौन सी है हॉली बुक्स इनकी, गीता है, ऋग्वेद है, उसके अलावा समवेद है, तो 3-4 है, तो ये 3 में से लिख लीजिएगा जो भी आप लिखना चाहते। यहाँ पे साथ साथ ये डेवलप करते हैं आर्ट को भी, लिटरेचर को भी, सिंबल्स को भी, ये सारी चीजें इसी पीरियड के अंदर ये डेवलप करते हैं। ये हॉली लिटरेचर आप लिख लीजिएगा अगर लिखना चाहते हैं तो, यानी कि उनका जो आज भी संस्कृत का लिटरेचर है ये सारे का सारा इसी। और उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी जब आएगी तो आप देखिएगा वो कहते हैं कि देवनागरी स्क्रिप्ट जो है उसको लगाया जाए यहाँ पे इंडिया के अंदर। वो क्यों कहते थे, वो यही कहते थे कि एक्चुअली सबसे पहले इस रीजन के अंदर ये वाला स्क्रिप्ट यूज हुआ था, तो कहते हैं कि उर्दू जो है वो फॉरेन लैंग्वेज है, तो फॉरेन लैंग्वेज को निकाला जाए और उसी स्क्रिप्ट को यहाँ पे अप्लाई किया जाए जो पहले दिन से यहाँ पे चला आ रहा है। तो अब आपको पता ही है इंडिया के अंदर जो उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी हमारी स्टार्ट हुई थी 1867 के अंदर, तो यहाँ पे हम देखेंगे लिटरेचर, हॉली लिटरेचर लिख लें आप, देन सिंबल्स, और देन एक और इम्पोर्टेंट चीज जो पीरियड की है वो कौन सी है, कास्ट सिस्टम इनका था, सोशल सिस्टम इनका क्या था, कास्ट सिस्टम था। पिछले दिनों एक बंदे ने ऐसे लिखा हुआ था, चेक करवाया उसने, तो उसने लिखा हुआ था 2020 में ऐसे हुआ आया हुआ था यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वालिटी यूरोपिक, तो उसने इस एग्जाम्पल से स्टार्ट लिया हुआ था, यानी कि इस इंसिडेंट को कोट किया कि किस तरह जो है
1.4 बिलियन का कंट्री जो है वो बिलीव तो रखता है कि सेकुलर है हम, लेकिन आज भी वहां पे कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है जहाँ पे ऊपर ब्राह्मण है, नीचे क्षत्रिय, उसके नीचे वेश और देन शूद्र है। तो डेफिनेटली उसने आगे जाके इसको नलीफाई किया कि यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती, तो उसका स्टांस ये था कि उसने इसको निगेट किया होगा। देन बाकी की एग्जांपल उसने बोल, तो यहाँ पे था कास्ट सिस्टम का। अरे सीक्वेंस के साथ चीजें चलेंगी, इन्हीं से जहाँ पे एंड होगा नेक्स्ट ही स्टार्ट, देन जहाँ पे एंड होगा देन नेक्स्ट ही, तो कोई अब्रप्ट चेंज नहीं आएगा यहाँ पे, बड़ा सीक्वेंस होगा इसके अंदर। इसमें कास्ट सिस्टम लिख दो, मैं इधर कास्ट क्या लिख लेंगे, फोर बॉस है जी, सबसे ऊपर ब्राह्मण, आज भी इंडिया के अंदर जो रूल करते हैं मैक्सिमम पॉलिटिक्स के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर ब्राह्मण, और देन स्पिरिचुअल लीडर भी यही कंसिडर किए जाते हैं, उसके नीचे क्षत्रिय जो जानते हुए जो लड़ाइयाँ लड़ती हैं सारे के सारा डिफेंस को जो है कंट्रोल करते थे उसके अब गवर्नमेंट, उसके नीचे आते हैं वेद वेश और देन उसके बाद शूद्र। वेश जो थे वो एग्रेरियन थे ज्यादा, ठीक है, एग्रेरियन थे और एग्रीकल्चर के साथ काम उनका लिंक था, और उसके नीचे कौन से शूद्र, और शूद्र कौन से थे, ये जितने भी लो कास्ट थी ये सारी की सारी क्या थी, शूद्र थी। और रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन इतनी ज्यादा थी यहाँ पे कि अगर कोई हिंदू निचली कास्ट का जो है शूद्र कास्ट का जो है गुजरते हुए गीता को सुन लेगा तो उसके कान में टिक्का पिला के पहनेंगे। सो दैट वाज द लेवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एट सोशल लेवल, समझ आइए कि नहीं। तो ये जो इतने बड़े दावे करते हैं ना चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी, आज भी वहां पे अल जजीरा की रिपोर्टिंग आप सुनते रहा करें जहाँ पे हिंदू दलित है उनके साथ किस तरह बिहेव किया जाता है। तो देयर इज नो यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वालिटी इन द वर्ल्ड, हु सेज दैट हिस्ट्री इज ऑलवेज बेस्ड ऑन जस्टिस, कभी भी हिस्ट्री भी जस्टिस पे बेस्ड नहीं की, रियलिज्म वालों ने प्रिवेल किया, जिसका जिसकी पावर स्ट्रांग थी उसने दूसरे के ऊपर क्या किया है, रूल किया है। और वो कहीं पे भी जाके देख ले, कोई पीरियड भी उठा के देख ले, वो अमेरिकन हिस्ट्री हो, वो जॉर्जियन हिस्ट्री हो, वो ब्रिटिश हिस्ट्री हो, वो हमारी हिस्ट्री हो, वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स की हिस्ट्री हो, या कहीं की भी, वो मॉडर्न हो, क्लासिकल हो, मेडिवियल हो, कोई भी हो, ये ऐसे ही था। चार कास्ट थी जी, और इन कास्ट की वजह से फिर दो और रिलीजन यहाँ से निकल आते हैं, कौन कौन से, बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों के, मैं लिख रहा हूं ब्राह्मण क्षत्रिय वेश और शूद्र। इस सोशल इनजस्टिस के अगेंस्ट सबसे पहला जो राइज होता है, वैसे दोनों का ही आप लिख रहे तो उसमें जैनिज्म को पहले लिखे, जैनिज्म चूंकि पहले आता है तो जैनिज्म के ऊपर थोड़ी सी बस एक हल्का सा टच दूंगा यहाँ पे, अगर मजीद आपने किसी ने पढ़ना है तो इस पे आप देख लीजिएगा या अलग से। जैनिज्म में 24 गुरु हैं जी इनके, ठीक है, कितने गुरु हैं, 24 तीर्थंकर्स भी इनको बोलते हैं। जो पहला गुरु है यहाँ पे इनका उसे कहते हैं ऋषभदात्त, और जो आखिरी है वो है महावीरा। ये एमसीक्यूज भी आया हुआ था वैसे कि जो जैनिज्म के अंदर लास्ट गुरु है वो कौन सा, पीएमएस का एक एमसीक्यूज था, महावीरा है, और ये फाउंडिंग फादर भी कहलाता है जैनिज्म का, पहले वाले नहीं, फाउंडिंग फादर लास्ट होता, ये थ्री थिंकर्स बोल रहे हैं या गुरु जी देखने लगे। ऋषभ पंत है आजकल इंडिया का प्लेयर है, तो वो ये सारे नाम भी वहीं से ड्राइव हो रहे हैं, ठीक है, ऋषभ नाथ है पहला,
और वहां भी लास्ट है। एक्सक्यूज मी सर, जी सर, सर ये आर्यंस के आने से पहले इंडस सिविलाइजेशन में रिलीजन कौन सा एग्जिस्ट करता था? समझ नहीं आई, दोबारा बोलिए क्वेश्चन अपना। सर ये आर्यंस के आने से पहले इंडस सिविलाइजेशन में कोई रिलीजन एग्जिस्ट करता था? उस वक्त मैं बता रहा था कि मैक्सिमम जो है नेचर के ऊपर ही इनका बिलीव था, जो ये थे इंडस सिविलाइजेशन वाले, वो पहले मैंने बात बता दी है, मैक्सिमम नेचर के ऊपर ही इनकी एग्जिस्टेंस। अच्छा जी, यहाँ पे जब ये चीजें हो रही हैं तो एक चीज यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये जो सारे के सारे गुरु हैं ये कहाँ से हैं? ये क्षत्रिया में से है, इनमें से एक भी ब्राह्मण नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि सोशल इनजस्टिस था, उस सोशल इनजस्टिस में इनको तो प्रॉब्लम ही नहीं थी ना। ब्राह्मण कहाँ पे बैठे हुए? टॉप लेवल पे बैठे हैं, तो उन्हें क्या प्रॉब्लम है? तो उनका तो काम चल रहा है। तो एक्चुअली ये सारे के सारे कहाँ से थे? ये क्षत्रिया में से, ठीक है, 24 के 24। इनकी जो टीचिंग्स है उनमें से जो फर्स्ट नंबर पे है वो है अहिंसा। कहीं पे आपने कोट करना, और इंजन को भी एक वर्ड याद रखिएगा, अहिंसा का मतलब होता है नॉन वायलेंस या नॉन इंजन थिंग्स जो है वो आपने नॉन वायलेंट मूवमेंट जो गांधी भी फॉलो करता है, ठीक है। तो वो भी एक्चुअली अहिंसा का जो है ऑर्डर प्रिवेल करवाता था। हिंदुइज्म के अंदर जो है वो कहता है कि किसी को एक्चुअली हिंदुइज्म से ड्राइव हुए हैं, तो तीनों से मिलकर लोग अपनी टीचिंग जो है वो ड्राइव करते रहते हैं। तो अहिंसा में नॉन वायलेंस इनकी एक है। दूसरा जो इनकी टीचिंग में से है वो उनको कहते हैं वैसे थ्री जेवल्स ऑफ जैनिज्म। पहला जो है राइट फेथ, देन दूसरा राइट नॉलेज, और तीसरा जो है वो राइट कंडक्ट। तीन चीजें, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, ये सारे इनके हैं जैनिज्म। अहिंसा का एक बस वर्ड याद रखना है, कहीं पे आपको अपना आर्गुमेंट को जस्टिफाई करवाना है कि जो रिलीजन है वो पीस को प्रमोट करते हैं, वो वायलेंस को प्रमोट नहीं करते। तो उनमें से जैनिज्म की अगर आप एग्जांपल दे तो आप लिखिएगा कि जैनिज्म के अंदर जो फर्स्ट जेवल है वो कौन सा है जी? अहिंसा का है, और अहिंसा का मतलब क्या है जी? नॉन वायलेंस, ठीक है। वैसे ये तीन ईस्टर्न रिलीजन कहलाते हैं, हिंदुइज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म, ये तीन ईस्टर्न रिलीजन कहलाते हैं। और जो तीन दूसरे हैं इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जूडिज्म, ये वेस्टर्न रिलीजन कहलाते हैं, या अब्राहमिक रिलीजन। मैंने बताया था शायद जब हमने वो पढ़ा था उसको, उसका नाम मिडिल ईस्ट को जब पढ़ा था, तो मैंने वहां पे भी बताया था कि तीन वेस्टर्न रिलीजन, यानी वेस्टर्न तो आप नहीं कह सकते, अब्राहमिक रिलीजन कहे, वो कौन कौन से? जूडिज्म, और देन उसके बाद क्रिश्चियनिटी, और देन इस्लाम। तीन वहां पे और इधर तीन ये, इनको वैसे रिलीजन ऑफ पीस भी बोला जाता है। ये जो तीन है इन्हें क्या कहा जाता है? रिलीजन ऑफ मोरालिटी, ये मोरालिटी के ऊपर भी एग्जिस्ट करते हैं सामो, तो इसीलिए इनके बारे में ये है। हाँ जी, ईस्टर्न यही तो बता रहा हूँ, ये वाला हिंदुइज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म। ये फाइव लास्ट वाला जो था, ये महावीर जो है ये 599 BC में पैदा हुआ था, और देन उसके बाद जैनिज्म के बाद देख लेते हैं थोड़ा सा बुद्धिज्म को, जैन हम मूव करते हैं आगे। बुद्ध जो है इसका फाउंडिंग फादर है, गौतम बुद्ध बोलते हैं इसको जी, इसलिए बोलते हैं कि बुद्ध जो था एक्चुअली जब पैदा हुआ था तो उसकी माँ मर गई और ऑर्फन था, तो उसकी स्टेप मदर ने जो है उसको जो है ग्रो करवाया था, यानी कि नॉरिशमेंट उसने की थी। उसका नाम था गौतमी, तो उससे मिलके दोनों चीजों को क्या रख दिया उसने, अपना नाम गौतम बुद्ध, यानी कि वो माँ का स्टेप मदर का नाम उसने पहले यूज किया, और देन ये गौतम बुद्ध के नाम से लिखा। ये 563 BC के अंदर पैदा होता है नेपाल में, ठीक है। तो आज भी वहां पे स्टेट रिलीजन कौन सा है नेपाल में? हिंदुइज्म वैसे है, लेकिन उस रीजन के अंदर बुद्धिज्म को बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है। लुम्बिनी एक जगह का नाम है, वहां पे ये ज्यादा होता है। लुम्बिनी
ये इसके बारे में। बुद्धिज्म के अंदर भी फोर नोबल पाथ्स हैं जी, उसमें कहता है कि लाइफ इज फुल ऑफ मिजरीज, जिंदगी तकलीफों से भरी हुई है, ठीक है। ये बड़े कमाल के हैं, ये आपके जो क्लासिकल राइटिंग करना चाहते हैं जो लोग एसे के अंदर, वो इधर उधर का फेसबुक नॉलेज ना भी लिखे तो ये पांच सात चीजों के ऊपर ही अपना ऐसे घुमा घुमा के जो है वो वाइंड अप कर सकते हैं। तो फोर नोबल पाथ कहता है बुद्धिज्म के अंदर, पहला कहता है कि लाइफ इज फुल ऑफ मिजरीज, जिंदगी दुखों का नाम है। जिंदगी में ये ना कहिएगा कि बिल्कुल आसान और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो पहली बात ये करता है लाइफ इज फुल ऑफ मिजरीज। दूसरी बात कहता है कि विश जो है या डिजायर जो है ये एक्चुअली बेसिक काज है किसकी, मिजरी की, ख्वाहिश जो है। तो आप देखें कि बुद्धा के वो तीन चार चीजें, एक बाउल होता है हाथ में, एक वो कासा सा होता है हाथ में, एक लकड़ी का वो डंडा, और देन ये दो चादरें हैं। तो ये इसीलिए है कि विश नहीं होनी चाहिए, डिजायर नहीं होनी चाहिए। यहाँ से वैसे वो कहता है रसल अपनी बुक में कंक्वेस्ट ऑफ द हैप्पीनेस इन वी, असल जो है वो कहता है कि कॉज ऑफ क्या है, अनहैप्पीनेस है। तो यहाँ पे ये भी रिलीजन यही कह रहा है कि एक्चुअली अनहैप्पीनेस जो है ये कहाँ से आती है, डिजायर से। वो कहता है जब डिजायर बढ़ती है तो आप लोगों के क्या करते हो, अटैक करते हो, तो वो जो डिजायर है ये क्या प्रोड्यूस करवाती है, मिजरी। तीसरा जो गोल्डन पाथ है इसका, वो कहता है कि अगर लाइफ में खुश रहना चाहते हो तो इस विश को फिर खत्म कर दो, ठीक है। पहला क्या है भी, लाइफ इज फुल ऑफ मिजरी, पहला। दूसरा कहता है कि मिजरी की कॉज क्या है भी, विश या डिजायर। और तीसरा कहता है कि अगर आप इस जो है हैप्पी रहना चाहते हैं तो फिर इस डिजायर या विश को क्या कर दो, खत्म कर दो। तो ये यहाँ पे जो है इस चीज को टॉच कर रहे हैं। अब इसको फुलफिल करने के लिए, इसको वो तो मैं अभी बता रहा हूँ फुलफिलमेंट कैसे कर रहे हैं इन चीजों की। इनको फुलफिल करने के लिए वो कहता है कि एट गोल्डन रूल्स को आपने फॉलो करना है, आठ सुनहरी असूल हैं जिनके ऊपर आप काम करेंगे तो ये चार पूरे हो गए, तीन पूरे हो गए, एट गोल्डन रूल्स। ये वैसे इतना याद रखने वाली जरूरत नहीं है आपको, ये चीजें बड़ी याद रहेंगी, जैसे मूवी की तरह नहीं ये चीजें स्क्रिप्ट याद रहता। तो ये स्क्रिप्ट राइटिंग हम कर रहे हैं, इसके ऊपर आपने ज्यादा ना तो इसको टेंशन लेनी है कि मुझे याद रखना है। हाँ, इस तरह की चीजें अगर याद रह जाए तो आपकी राइटिंग के अंदर एक अच्छा निखार लेके आती है, क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता, इसीलिए जल्दी जल्दी ये पोर्शन हम कर जाते हैं एक दो लेक्चर के अंदर ही। असल में हम रुकेंगे जहाँ के 57 पे, वहां से फिर हम बड़ा एक माइक्रो एनालिसिस करेंगे चीजों को। ये भी एनालिसिस तो अच्छा ही है, लेकिन इतना है कि आपको एक आइडिया होता जाएगा चीजों का कि हुआ क्या है। तो दैट एट गोल्डन रूल्स हैं इनके, इसमें कहता है कि राइट नॉलेज होना चाहिए, राइट एक्शन होना चाहिए, राइट रेडिएशन होनी चाहिए, राइट जो है आपकी थॉट्स होनी चाहिए। तो ये सारे राइट राइट वाले कहते हैं, और मीडिएशन में जो आज ये योगा करते हैं ये बुद्धिज्म से ही आया हुआ है। मीडिएशन जो करते हैं वो राइट थिंकिंग के लिए करते हैं, ठीक है। आज भी करते हैं हिंदुइज्म के अंदर जो है, तो ये इसीलिए योगा के ऊपर थोड़ा सा जब पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ तो जो मुस्लिम स्कॉलर्स थे उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया, बिकॉज प्योर ये किसका एक्शन था, ये एक्शन है। तो हमारा मीडिएशन क्या है कि मुस्लिमों जो अजाद है वो कहते हैं कि नमाज है। आप अगर मीडिएशन करना चाहते हैं तो वो आपका साइकोलॉजिकल जो हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए जो चीज़ है वो मीडिएशन नहीं है, वो आपके लिए नमाज है। तो ये योगा जो है ये राइट मीडिएशन के राइट थिंकिंग के लिए ये जो है एक्सरसाइज थी। तो ये भी यहाँ से आती है फिगर से। उसके बाद ही इस रीजन के ऊपर अब अटैक्स होते हैं, और ये उसके अंदर भी है डॉक्टर असिफ खान, राइट थिंकिंग, राइट एक्शंस, राइट मीडिएशन। तो ये चार पांच लिख लें बस, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। सिक्स बीसी के अंदर ही, यानी कि थर्टी सेंचुरी के अंदर ही, बीसी के अंदर ही
जो पर्शियन एम्पायर है ये एक्सपैंड करता है, ठीक है, पर्शियन एक्सपायर जो एक्सपैंड करता है, तो उधर भी मैंने आपको बताया था साइरस ने उधर अटैक किया था बेबीलोनियन के ऊपर भी, बताया था ना वो जो लेक्चर था वहां पे। लाइट आई है वैसे? अच्छा जी, तो उस वक्त भी मैंने आपको बताया था साइरस द ग्रेट जो था उसने क्या किया था, अटैक किया था बेबीलोनियन के ऊपर। साइरस ने पहला अटैक किया था सीजन के अंदर, ठीक है, साइरस ने पहला अटैक कहाँ पे किया, इस बेबीलोनियन के ऊपर भी किया और देन इस रीजन के ऊपर भी किया जो इंडस सिविलाइजेशन वाला जगह। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन इसने अटैक है जो ये 5 मिनट में कोरिंग हो जाएगी। क्वेश्चन से अटैक ये है साइरस का पहला। साइरस के बाद दूसरा अटैक यहाँ पे करता है दारा, उसको बोलते हैं दारा। अभी आर्यन ने अटैक किया तो सेटलमेंट कर लिया ना, अभी उनको सेटल करवा तो दिया है। आर्यन ने अटैक किया 1300 के अंदर, सबसे पहला फॉरेन अटैक जो है वो आर्यन से किया गया। देन उसके बाद साइरस के बाद दारसी या दारा जिसे आप बोलते हैं उसने किया था अटैक। हाँ जी, हाँ जी, याद है। और तीसरा अटैक यहाँ पे किसने किया, जारस ने किया, ये भी क्वेश्चन जारस। ये तीन अटैक होते हैं जी इस रीजन के। अब इस तरह जब आप पंजाबी वाला क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे आप बताएंगे कि पंजाबी जबान देते फारसी का की असर है, ठीक है, पर्शियन उनकी लैंग्वेज थी तो डेफिनेट पर्शियन जब यहाँ पे आके अटैक कर रहे हैं तो सब कुछ क्या हो रहा है यहाँ पे, इधर से ड्राइव हो रहा है उसी लैंग्वेज से हो रहा है। और इस पीरियड से यहाँ पे पर्शियन आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह पे था, समझ आई कि नहीं, इस अटैक के बाद पर्शियन का जगह क्या हो रहा है। पर्शियन के बाद देन एक और बड़ा लीडर पूरी दुनिया जिसका फतह करने का ख्वाब था, कौन था, अलेक्जेंडर आजम या अलेक्जेंडर द ग्रेट, ग्रीक था, अरिस्टोटल का शागिर्द था जी। और ये भी क्वेश्चन आ जाता है वैसे एमसीक्यू कि किसका शागिर्द था, अरिस्टोटल का। तो ये जो है जो अलेक्जेंडर द ग्रेट है ये अटैक करता है इस रीजन के ऊपर, तो ये आएगा जी किसके अंदर, ग्रीक्स अटैक। और बार बार पूछा जाता है दो चीजें, कि जो वॉर हुई थी उस वॉर का नाम क्या है, कौन बताएगा जी। एमसीक्यू बहुत ही आता है पीएमएस का, तो ये फेवरेट एमसीक्यू है मेरे ख्याल। ये इनके दरमियान जो ग्रीक की जो वॉर हुई है इस रीजन के अंदर किस लीडर के साथ हुई है, कोरस के साथ, और उस वॉर का नाम और किस ईयर में हुई थी, दो क्वेश्चन जहां से पूछे जाते हैं एमसीक्यू से। 327 के अंदर हुई थी, ठीक है, 26-27 है, दिसंबर है तो वो इसी तरह, लेकिन एमसीक्यूज आया तो वो दोनों पूछता है, लेकिन 27 ज्यादा जो है ऑथेंटिक समझ रहा है। हाँ जी मैं बता रहा हूँ। अच्छा जी, अलेक्जेंडर अटैक करता है इस रीजन के ऊपर, और उस वक्त यहाँ पे सुन ले सिचुएशन क्या थी, ये जो रीजन है इंडस रीजन जो है ये डिफरेंट पोर्शन के अंदर डिवाइड होता है, यानी कि यहाँ पे हिंदू राजा होते हैं और हर एक ने अपनी जो है वो मोनार्की सेट की होती है। गंदारा वाला रीजन एक बंदे के पास है, पंजाब वाला पोरस के पास था, तो पंजाब वाला जो है ये किसके पास था, पोरस के पास था, इसी तरह सिंध वाला डिवाइडेड था, और देन रेस्ट ऑफ ऑल जो है ये पूरे का पूरा इंडिया डिवाइडेड था। जब अलेक्जेंडर ने अटैक किया तो जो बाकी रीजन के राजा थे उन्होंने फाइट करने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने सरेंडर कर दिया, मीकली सरेंडर, ठीक है, तो उन्होंने सरेंडर कर दिया, लेकिन राजा पोरस ने जो है वो कहा कि नहीं मैं वॉर करूंगा आपसे। तो यहाँ पे 327 के अंदर होती है बैटल ऑफ हेडेस्पस,
ईयर और वॉर दोनों का नाम याद रखना है आपने, बीबीसी है। अब जब ये वॉर होती है तो ऑफ कोर्स अलेक्जेंडर की आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और पोरस की जो है हार हो जाती है, इसमें पोरस हार जाता है। लेकिन यहां पे एक और चीज हो जाती है, इस वॉर के अंदर जो अलेक्जेंडर उसको एक तीर लगता है और उस तीर का जख्म जो है वो भर नहीं पाता और उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है 32 के अंदर, ठीक है, वापसी पे जा रहा होता है मेसोपोटामिया में। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग और चीज है, जब ये वॉर हार जाता है ना पोरस, लेकिन पोरस फाइट बहुत अच्छा करता है, तो वो एतजाज हसन इसको बड़ा अच्छा कोट करता है कि हर जो ये परसेप्शन आपने बनाया हुआ है ना कि जब भी किसी फॉरेन इन्वेडर ने हम पे अटैक किया है तो हमने उसको वेलकम किया है, एक ये मिथोलॉजी चलती है, तो कहते हैं ऐसी बात नहीं है, पोरस को तो देखो, पोरस ने कितनी अच्छी फाइट की थी। जब पोरस ने फाइट की तो वो बहुत इंप्रेस हुआ अलेक्जेंडर, उसने कहा यार इतना मैंने रकबा पता किया लेकिन इस तरह का मिलिट्री लीडर मैंने नहीं देखा, एक्टिव था, ब्रेन भी अच्छा था, काम भी करता था, फाइट बड़ा अच्छा किया। तो अब आई डिप्लोमेसी की बात, डिप्लोमेसी सुने उसकी, तो जब वो हार गया सरेंडर किया तो अलेक्जेंडर ने आके उससे पूछा हाउ शुड आई ट्रीट विद यू, कैसे ट्रीट करना चाहिए, तो उसका रिप्लाई था अ किंग ट्रीट विद अ क्वीन, जैसे एक बादशाह के साथ ट्रीट करता है वैसे मेरे साथ ट्रीट करो। उसने कहा चलो फिर ये जो सल्तनत तुम्हारी है मैं तुझे वापस करता हूँ, तो ये अलेक्जेंडर ने इसे वापस दे दी थी। कुछ ग्रीक पोस्ट यहाँ पे बना, ग्रीक्स भी यहाँ पे रहने लगे, लेकिन अगेन जो कंट्रोल था वो किसे दे दिया गया था, राजा पोरस को। यहाँ पे अ किंग ट्रीट टू अ किंग, ये वहां से बात चली आ रही है कि पोरस को जो है वो वापस दे दिया जाता है। अलेक्जेंडर अटैक करके वापस चला जाता है, जब ये फतह कर लेता है वापस जा रहा होता है तो मेसोपोटामिया इराक वाला जो इलाका है वहां पे जब पहुंचता है तो वो ब्लीडिंग और वो जो उसकी इंजरी है वो डेड फॉर्म में था, तो वो डेफिनेटली सर्वाइव नहीं कर पाता और उसकी डेथ हो जाती है। तो इस वॉर का उसे ये अजाला करना पड़ा, बड़ी यंग एज में जो है निकल जाता है। ग्रीक्स अटैक के बाद नेक्स्ट जो डेवलपमेंट होती है जी वो फिर अगेन एक अमेजिंग डेवलपमेंट है जो स्टार्ट होती है। तो ये कब हुआ था 327 के अंदर, तो उसके बाद 5-6 साल के बाद राजा पोरस की तो इतनी देर फिर भी नहीं जाती, तो एक और जो है यहाँ पे मिलिट्री हिंदू लीडर खड़ा होता है, क्या नाम है उसका, मौर्यन चंद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता मौर्य या मौर्यन चंद्रगुप्ता। तो देन यहाँ पे फर्स्ट एम्पायर बनती है जिसे हम कहते हैं मौर्यन एम्पायर इस रीजन के अंदर, और उसने फिर अकेल तबाही की है इस रीजन के अंदर। डेवलपमेंट भी बड़ी अच्छी है, यहाँ पे आके फिर स्टार्ट हो रहा है हमारा क्लासिकल पीरियड अगेन एक नंबर के आगे। हिंदू जिसे ग्लोरीफाई करते हैं आज भी जिस पीरियड को, वो इस पीरियड को करते हैं, मौर्यन एम्पायर को और दूसरी गुप्ता एम्पायर को, दोनों के ऊपर हम बात करते हैं। पहले इसको देख लेते हैं, इसका जी फाउंडर जो है वो कौन है, चंद्रगुप्ता मौर्य फाउंडर था इसका। ये 321 के अंदर 327 में उसने बैक किया उसको, 6-7 साल इसने एग्जिस्ट किया, तो मौर्यन चंद्रगुप्ता जो है वो दोबारा राइज करता है और अगेंस्ट लड़ता है किसके, पोरस के, पोरस के और ग्रीक्स के। तो ये पोरस को भी हरा देता है, ग्रीक्स को भी हरा देता है और देन ये इस रीजन के अंदर अपनी एक एम्पायर सेट करता है जिसे क्या कहते हैं, मौर्यन एम्पायर। तो यहाँ पे समझ आ गया सिंह जी, मौर्यन चंद्रगुप्ता, ये लिख भी दाओ चंद्रगुप्ता मौर्य भी लिखते हैं, मौर्यन चंद्र फाउंडर है जी इसका मौर्यन एम्पायर का 321 में। सर जी जी सर थोड़ा सा कैमरा रोटेट कर दें काइंडली, थैंक यू सर। 321 से लेके
185 तक की ये एम्पायर है बीसी के अंदर। हाँ तो बीसी का मैंने उस दिन भी बताया था आपको कि ये रिवर्स ऑर्डर चलता है यहाँ पे, बड़ी आवाम कंफ्यूज होती है कि ये क्या होता है। उस दिन भी आपने इसने कहा था शायद कि मुस्लिम से पहले तो वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर कभी बात ही नहीं हुई थी, तो उस दिन भी हमने कोड ऑफ हम्मुरबी से स्टार्ट किया था। मोरियन एम्पायर थी। देन इसकी जो सबसे बड़ी चीज है जिसे आज भी इंडियन पॉलिटिशियन फॉलो करते हैं वो है चांकिया। चांकिया इसका क्या था, पॉलिटिकल एडवाइजर था, और उससे क्या कहते हैं उसका निकनेम, एमसीक्यूज में भी एक दफा पूछा गया पिछले दिनों, उसका निकनेम है उससे कहते हैं इंडियन मैकियावेली। वो इंडियन मैकियावेली कहलाता है, बहुत शातिर, बहुत रियलिस्ट और बहुत ही अनार्किस्ट टाइप का बंदा है। उसकी बुक है अर्थशास्त्र, ठीक है, उसके अंदर उसकी सारी पॉलिटिक्स लिखी हुई है। शशि थरूर पिछले दिनों कोट कर रहा था उसी बुक को बार बार कि हमारी डिप्लोमेसी एक्चुअली कहाँ से ड्राइव होनी चाहिए, जैसे हमारी डिप्लोमेसी जो है फॉरेन रिलेशन ड्राइव होते हैं कहाँ से, इकबाल के और जना के थॉट से, तो इसी तरह जो हिंदुइज्म के अंदर या इंडिया के अंदर जो पॉलिटिकल थॉट्स ड्राइव होती है वो दो बंदों से ड्राइव होती है, एक कौन सा है चांगिया और दूसरा कौन सा है जो बीजेपी अभी भी ड्राइव कर रही है, कहाँ से कर रही है, 1926 के अंदर जब बनी थी कहाँ से बताएगा, 1926 के अंदर गोलवालकर जो है, गोलवालकर जो है वहां से उनकी थॉट्स आ रही है, उस पर भी बात करेंगे जब बुक रिलीज आएगा। तो यहाँ पे चांगिया ये पैदा पता है कहाँ पे हुआ था, टेक्सला में, ठीक है, पाकिस्तान में पैदा हुआ था टेक्सला में। बुक का इसकी नाम लिख ले, अर्थशास्त्र है, ए से है, पॉलिटिकल एडवाइजर था किसका, मौर्यन एम्पायर का, इंडियन मैकियावेली, रियलिस्ट था ना, रियलिज्म पे बिलीव रखता है। तो मैकियावेली भी क्या करता है रियलिज्म के, वो कहता है खिलाफ की आज कोई चीज नहीं है, पावर पॉलिटिक्स की बात करता है, किंग को सरवाइव करना चाहिए था पूरी दुनिया के सर काटने पड़े, ठीक है, तो वो रियलिस्टिक पावर जो है वो यहाँ से नहीं पाते चांकिया की ये पॉलिसी थी। और आज भी इंडिया की सारी फॉरेन पॉलिसी, जैसे चाइना के अंदर वो उसको कन्फ्यूशियस को बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है ना, तो वहां से समझो को ये दो तीन जो रिलीजन है वो अपनी पॉलिटिकल थॉट्स वहां से ड्राइव करते हैं, इंडिया वाले यहाँ से करते हैं, हम कहाँ से करते हैं, इकबाल और जिन्ना से करते हैं, तो हर एक का अपना अपना जो है पॉलिटिकल लीडर है। CHANKYA है और बुक का नाम जो है थोड़ा सा इसके पीछे कर दो, अच्छा मजे की बात यह है कि इस पीरियड के अंदर साइंटिफिक डेवलपमेंट भी हो रही थी, ये नहीं था कि कोई बड़ा डेड किस्म का कोई ये एम्पायर था, बड़ा डायनामिकल एम्पायर था, पॉलिटिकल थॉट्स भी थी, साइंटिफिक इन्वेंशंस भी हो रही थी और डेवलपमेंट्स भी हो रही थी, वो एग्रेरियन डेवलपमेंट हो, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, वो कल्चरल डेवलपमेंट हो, वो सोशल डेवलपमेंट, सारी की सारी डेवलपमेंट रीजन के अंदर हो रही थी। और पॉलिटिकल थॉट्स देने वाला बंदा कौन है, ये चांकिया, जिसे आज भी वो क्या कहते हैं पॉलिटिक्स का फादर कहते हैं इंडिया वाले, शशि थरूर जो है सुना होगा किसी ने, MLA है, वाइस प्रेसिडेंट वो रह के आया उसका UNO का भी, वो जब भी बुक का नाम कोट करता है तो टॉप ऑफ द लिस्ट अर्थशास्त्र की, दुनिया की बेहतरीन बुक ये है, तो वो एक्चुअली यहाँ से ट्राई हुआ है। अच्छा जी, ये उस वक्त नालंदा यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा कंसेप्ट ले लें, नालंदा जो है ये एक रीजन है पटालीपुत्रा वैसे उसे कहते हैं पहले, जिसे आज पटना कहा जाता है, बिहार के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है पटना, बिहार स्टेट है किसकी, इंडिया की, बिहार स्टेट है उसके अंदर पटना या पटालीपुत्रा उसे कहते थे। ये क्लासिकल पीरियड के अंदर जो है ये सिटी ऑफ द नॉलेज कहलाता होता था उस वक्त इस रीजन के अंदर, यहाँ पे कोई इतने बिल्कुल डम्ब और डार्क किस्म के ब्रेन नहीं रहे, ये एक रीजन जो है इंटेलेक्चुअल ब्रेन भी इसने पैदा किए, और दुनिया उस वक्त यूरोप बिल्कुल इस चीज को बिल्कुल पता ही नहीं था, मैग्नेटिज्म वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाली बातें बिल्कुल आइडिया नहीं थी, अभी मैं आगे आके बताता हूँ कि यहाँ पे कैसे मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट था और वहां पे बिल्कुल इस चीज का पता ही नहीं था यूरोप के अंदर, ठीक है।
तो इंटरव्यूज के अंदर जब आप अपने आप को जस्टिफाई करवाते हैं तो देन इस तरह की क्लासिकल एग्जांपल्स आप देते हैं कि नहीं इस तरह की नई चीजें हैं, टू साइडेड आप अपनी डोमेन रखते हैं। तो यहाँ पे ये गंधारा में पैदा हुआ था, देन ये सिटी ऑफ नॉलेज की तरफ चला गया वहां पे, और देन वहां पे जाके इसने क्या किया, डेप्थ इसकी वहां पे नॉलेज जो है लोगों में बांटना शुरू कर दिया और वहीं पे इसकी डेप्थ हो जाती है पटालीपुत्रा के अंदर पटना के बिहार। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज स्टार्ट होती है वो है एक्सपेंशन ऑफ मौर्यन एम्पायर, इससे बड़ा नाम जो आता है। ये जो है आज पता है जो कंफ्लिक्ट है, जो अभी बाबरी मस्जिद वाला और पटना वाला और ये सारी जितनी भी उनकी एंशिएंट सिविलाइजेशन के अंदर जितने भी उनके मॉन्यूमेंट्स थे, आज वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, रिवाइव कर रहे हैं। बाद में मुस्लिम्स ने आके उन पे कब्जा किया तो ऑफ कोर्स वो कंफ्लिक्ट आज भी मौजूद है, लेकिन कुछ पे तो था कुछ पे नहीं था, तो वो फिर अंधाधुंधी हुए खड़े हैं, यानी कि वो बिल्कुल इनडिस्क्रिमिनेटली जहाँ पे जस्टिस करना है वहां पे भी वो इनजस्टिस किए जा रहे हैं इंडियन से, हिंदुइज्म को। तो इसका जो है ग्रैंडसन है कि मौर्य चंद्रगुप्ता का अशोका, ठीक है सुना होगा नाम का, अशोका जो है एक्चुअली वो इसका ग्रैंडसन था। गजब का मिलिट्री लीडर है जी, ठीक है, और क्या करता है पूरे का पूरा साउथ जो है नॉर्थर्न जो इंडिया है इसके ऊपर कंट्रोल करना हमेशा आसान रहा है, और जितनी भी इन्वेजन हुई है साउथर्न वाला रीजन हमेशा टफ रहा, ठीक है। साउथर्न नीचे वाला जो बम्बई वाला रीजन है या इधर वाला, यहाँ इसकी रीजन ये है कि वहां पे जो रहने वाले मराठा है और ये गुजराती लोग हैं ये सारे के सारे जंगजू हैं, जिस तरह सेंट्रल एशियन वाले थे ना, तो ये भी जब भी कोई लड़ाई करता था तो ये पंजाबी और गुजराती और राजस्थानी और नीचे वाला जो है ये सबसे पहले रेजिस्ट करते थे, रेजिस्टेंस इनके ब्लड के अंदर है। वो जब भी कोई इन्वेजन करता है जैसे यहाँ पे अफगानिस्तान में जिसने भी इन्वेड किया है मुंह की खाई है, ठीक है, तो उनके ब्लड के अंदर रह के थी हमने कभी किसी को अपने ऊपर जो है वो हुक्मरान नहीं होने देना, तो ऑफकोर्स यही मेंटेलिटी यहाँ पे भी उस वक्त एग्जिस्ट कर रही थी। तो अशोका जो था ये पहला था जिसने वहां पे पूरा एक्सपैंड किया इस मौर्यन एम्पायर को, और देन आहिस्ता आहिस्ता जो है इसको डिवाइड कर दिया तीन के अंदर, तो तीन इसके एम्पायर थे वैसे, और वो थ्री लाइन सिंबल जो है शायद यहाँ पे वो आप अगर जाके देखेंगे तो एम्बलम आज भी जो है वो वहीं से ही आता है, वो अशोका का एक्चुअली एम्बलम था वहां पे थ्री लाइन एम्बलम, तो आज भी वो इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट का भी वही है और उनकी पार्लियामेंट का भी है, थ्री लाइंस है, एक का तो इधर है, एक का इधर और एक का इधर। तो ये अशोका कहता होता था कि मेरा हर तरफ ध्यान है, ये ना कहिएगा कि इधर से आप अटैक कर लेंगे, इधर से कर लेंगे, इधर से कर लेंगे। तो आज भी वो यानी कि यूनिटी ऑफ एम्पायर का जो कॉन्सेप्ट था वो आज भी इंडिया के अंदर वो उसी तरह चल पा रहा है, और वो कहाँ से ड्राइव हो रहा है, अशोक। यहाँ पे अब थोड़ा सा मसला हो, ये ना इसको छोड़ के हिंदुइज्म को ये बुद्धिज्म को फॉलो करना शुरू कर देता है, ठीक है,
तो वो कहता है कि बुद्धिज्म वाले जो है ना, इनकी रिलीजियस थॉट्स जो है ना वो हिंदुइज्म वालों से ज्यादा अच्छी है, थोड़ा सा जो है ये सोशल इक्वालिटी पे बिलीव रखता था, तो इसने ना बुद्धिज्म को स्टेट रिलीजन डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो उस वक्त भी रिलीजियस स्टेट्स एग्जिस्ट करती थी, इसका बुद्धिज्म क्या है, स्टेट रिलीजन, बुद्धिज्म स्टेट रिलीजन बन गया। बुद्धिज्म जी डिक्लेयर कर दिया गया स्टेट रिलीजन, बुद्धिज्म को जो है फॉलो कर लिया। मैंने उस दिन भी आपको बताया था रोमन एम्पायर के अंदर जब उसने खुद क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर लिया था, तो उसके बाद वो क्या बन गया था, हॉली रोमन बन गया था, पहले रोमन एम्पायर हुआ करता था। तो जब किंग ने बजाते खुद क्रिश्चियनिटी जो है प्यार कर ली, यानी उस रिलीजन को एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके बाद वो बन गया हॉली रोमन। तो यहाँ पे पहले तो चल रहा है वही हिंदुइज्म, लेकिन अब जो ये आया है इसने क्या किया, बुद्धिज्म को फॉलो किया है, और बुद्धिज्म के बाद इसने स्टेट रिलीजन डिक्लेयर करवा दिया इसे। और इसने एक और भी काम किया, इसकी बेटी और बेटा जो थे दो हैं, एक महिंद्रा है बेटी का नाम आई थिंक, और दूसरा जो है संगमित्रा है। तो बेटा इन दोनों को इसने भेज दिया था श्रीलंका, और इसने कहा था कि आपको यहाँ पे काम करने की जरूरत नहीं है, ये मैं खुद चला लूंगा, आप जाके वहां पे बुद्धिज्म को फैलाओ, और वहां से फिर श्रीलंका के अंदर स्टार्ट हो जाता है बुद्धिज्म। तो ये इसके बेटी बेटा थे वो दोनों महिंद्रा, आज भी आप देखेंगे तो वहां के नाम यही है, महिंद्रा 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 सिंह धोनी, ये वो फला फला, ये सारे नाम एक्चुअली इसी हिंदू सिविलाइजेशन के हैं, वो आज तक उसी तरह चले आ रहे हैं। दूसरा है संगमित्रा, हाँ जी। अब अगेन एक्सपेंशन हो गया, अब फिर किधर जाना है, स्टैग्नेशन की तरफ और देन किसकी तरफ, डाउनफॉल, इसका भी फिर यही याद होता है। देन एक स्टैग्नेट पीरियड आता है और उसके बाद क्या हो जाता है, डाउनफॉल हो जाता है। उसके बाद फिर काफी अर्सा यहाँ पे रहता है ट्राइबलिज्म, ठीक है, फ्यूडलिज्म या ट्राइबलिज्म आप कह सकते हैं, कि छोटे छोटे ट्राइब्स डिवीजन हो जाती है। अगेन वो जो साउथ में इसने अटैक किया था तो थोड़ी देर तो उन्होंने बर्दाश्त किया साउथ वालों ने, देन अगेन इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस करते गए, और आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी टेरिटरी जो है दोबारा से प्रिंसली स्टेट्स में वो डेवलप करते जाते हैं। उसके बाद से नंबर 10 पे जो चीज होती है वो भी होती है गुप्ता अंपायर। किसका ये, इसका मैंने आपको बताया है, ये था 321 में ये स्टार्ट हुआ है, और ये 300 आई थिंक 20-22 वाला था, और 180 तक आया है, 185 तक, यानी कि ग्रैंड सन था ना उसका। हाँ तो वो नहीं, ये इसका पहला पीरियड इसका है, यानी 341 से, उसके बाद फिर इसके वालिद गया, उसके बाद इसका है अशोका का। नंबर 10 पे लिया गुप्ता अंपायर, जब ये ट्राइबलिज्म रहता है कुछ अर्सा, तो देन उसके बाद ये वैसे है 319 से लेकर 467 तक, अब हम एडी में आ गए। ये एडी के, ठीक है जी। तो गुप्ता अंपायर जो है ये चंद्रगुप्ता वन है, तो ये आकर फिर एस्टेब्लिश करता है गुप्ता अंपायर, तो ये इतना असर चलता है 319 से लेकर 400 तक। लेकिन इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, ये अब एडी में आ गए हैं, बीसी से जीरो और जीरो से देन अब पॉजिटिव नंबर की तरफ जाना शुरू कर दें, ठीक है। पहले नेम यही थे, जैसे उस रीजन को डिवाइड किया था, गंदारा को अलग कर देता, पंजाब को अलग कर देता, साउथ को अलग, वैसे गंदारा को हमेशा उन्होंने अलग ही रखा, इसीलिए आज भी गंदारा सिविलाइजेशन है वो हिंदू मजहब का क्या रही है, गढ़ रही है आज भी। रिलीजियस टूरिज्म की जब बात करें ना, पिछले दिन वैसे ऐसे आया हुआ था टूरिज्म के ऊपर, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज में लिखे, तो वहाँ पे रिलीजियस टूरिज्म के ऊपर डायरेक्ट बात किया करें, ठीक है, कि रिलीजियस या टूरिज्म पे जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रिलीजियस टूरिस्ट जो है वो जहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि तीनों जो बेसिक रिलीजन है, ठीक है, दो तीन जो यहाँ पे इंडिया में फॉलो किए जाते हैं, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म,
और जैनिज्म वाला जो है तीसरा, और तीसरा सिखिज्म। तो सारे के सारे जो ईस्टर्न रिलीजन है इनकी रूट्स कहाँ से मिलती है आपको, ये साउथर्न जो इंडस सिविलाइजेशन है वहां से आती है। तो इसके ऊपर आप बात किया करें कि ये रिलीजियस टूरिज्म जो है उसमें पाकिस्तान जो है वो पहले नंबर पे आता है, अगर रिलीजन की बात करें क्योंकि वेस्टर्न वाले लोग फिर उधर चले जाते हैं। ये भी बुद्धिज्म है, कौन से वाले ये बीच में मैंने कहा कि ये था ना 321 से 185 बीसी तक, ये 185 बीसी में आके ये ब्रेक डाउन कर जाता है ये मौर्यन एम्पायर। तो फिर उसके बाद ट्राइबलिज्म रहता है, मैंने बता दिया है ट्राइबलिज्म फ्यूडलिज्म, और ट्राइबलिज्म फ्यूडलिज्म के बाद ये 319 से लेके 467 बीसी के अंदर जो है एडी के अंदर सॉरी, तो यहाँ पे आके फिर दोबारा से एम्पायर बिल्ड होता है जिसके अंदर इसी रीजन में है नालंदा यूनिवर्सिटी बनाते हैं जो इस रीजन की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कहलाती है उस वक्त। मैंने उस वक्त भी बताया आपको कि यहाँ पे चाणक्य जो है वो नालंदा में जाके मरता है, उस वक्त भी सिटी ऑफ नॉलेज को कहलाता है, लेकिन वहां पे रेगुलर कोई जो है इंस्टीट्यूशन भी होता है। तो फर्स्ट इंस्टीट्यूशन यहाँ पे बनाते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे जी साइंटिफिक रिसर्च सोलर सिस्टम के ऊपर बात ये लोग करते हैं उस वक्त, कोर्स ग्रीक्स ने बात की थी पहले, ग्रीक्स के बाद हो रही है ठीक है, ग्रीक्स ने तो पहले ही सोलर सिस्टम के ऊपर बातें करना शुरू कर दी। तो सर बिजली आने लगी, हाँ जी बिजली आने लगी, नहीं नहीं लाइट नहीं है, सोलर सिस्टम कौन सा बात सोलर पैनल वाली बात नहीं कर रहा, सोलर सिस्टम यानी के जो प्लैनेट्स हैं हमारे, एक निजाम शमसी जो आप कहते हैं। अच्छा तो ये वाला जी सोलर सिस्टम के ऊपर बात होती है, ज्योमेट्री के ऊपर ये बात, टूट जाता है और इसके टूटने के बाद जो है अगेन यहाँ पे डिफरेंट राजा जो है हिंदू राजा, जैसे राजा दाहर की हुकूमत कहाँ पे है सिंध में, इसी तरह पंजाब के अंदर भी, इसी तरह साउथर्न जो इंडिया है वहां पे भी, अपर इंडिया के, और देन ये गंदारा सिविलाइजेशन वाला, तो देन ये सेग्रीगेट हो जाता है डिफरेंट रीजन के अंदर जी। दोनों थी ये ठीक है, ये तो बाद में आ गई लेकिन ये बाद में बनी है, वो गंधारा वाली पहले है कि वो पहले भी कहलाता था सिटी ऑफ नॉलेज। दोनों जो है वो पिलर थे जी नॉलेज के लिहाज से, दोनों को आप निगेट नहीं कर सकते, लेकिन नालंदा तो बाद में ये खत्म हो गई थी, अभी ये 2010 के अंदर आके इन्होंने बनाई है ठीक है, 2009-10 के अंदर इसको डेवलप किया दोबारा से आके साइंटिफिक यूनिवर्सिटी के नाम से जो है। तो वो वाली है जो ये नालंदा जो है ये इनके दौर से एग्जिस्ट कर रही थी, और जो वो आप कह रहे हो ना गंधारा, वो गंधारा वाले तो यहाँ से है, वो अशोका के दौर में, बल्कि यहाँ से मौर्यन चंद्रगुप्ता वाले पीरियड में भी, तो ये पहले यहाँ पे रहा फिर उसके बाद मूवमेंट करके ये माइग्रेट करके उतर गया था। तो दोनों है लेकिन पहले ये है, इसीलिए गंधारा को आज की जो है वो हिंदू मजहब की जो है वो मदर सिविलाइजेशन में से एक समझा जाता है। यहाँ पे एक हमारा पोर्शन अब खत्म हो गया, जहां से हमारा दूसरा अब स्टार्ट हो जाएगा मुस्लिम रूल इन इंडिया ठीक है। जहां तक समझ आ गई है, जहां तक किसी का भी क्वेश्चन हो जिसको समझ में आई हो कि ये हुआ क्या है, एक्सक्यूज मी सर, जस्ट वन मिनट ऑनलाइन वाले, एक मिनट बस जी। आप ये टूट गया अंपायर, उसके बाद फिर ये
और उसके बाद फ्यूडलिज्म आ गया, लेकिन ये फैमिली तो एग्जिस्ट करती रही है ना। उसके बाद फिर देन एक नया अंपायर इसी के ही जो है इसी के फैमिली में से दोबारा खड़े होकर ये बनाते हैं। इसका बताया तो बहुत था, चंद्रगुप्ता वन लिखा था मैंने, चंद्रगुप्ता वन लिखा था। जैसे आर्ट ऑफ वार है उसकी क्या नाम है संजो की, वो हम चाइनीज को मान लेते हैं, इनको नहीं मानते। वैसे इसने बड़ा कोट किया हुआ है, ये बढ़िया उसकी है, वैसे कोई ले के गया था तो अभी देख गया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की बुक है, 7,000 रुपए की बुक है। इसकी जो बुनियादें हैं सारी की सारी उसने स्टार्ट ही यहीं से की है, अर्थशास्त्र से उसने लिखना शुरू किया। मिल नहीं गई थी तो मांग के ले गया था, तो आज बड़ी मुश्किल से वापस लिया है 3 वर्ष। नहीं, इंडस सिविलाइजेशन बाद में है, ये उससे पहले कोड दी थी सिंध के अंदर, ये सिंध के अंदर सिविलाइजेशन, ये सारा इंडस वाला। तो वो उसको भी छोड़े, वो और सिद्धू वैली और है, वो इसके अंदर शायद वो बुक नहीं पढ़ी जाते, वो उसके इंडस सागर के अंदर, टू रीजन टू स्टेट टू नेशंस और टू स्टेट्स, यानी कि पहले टू रीजन के ऊपर बात करता है वो जो है एतजाज ऐसे, वो कहता है कि ये दो रीजन ही अलग थे, इंडस रीजन अलग है, ये वाला जो हमारे वाला है, और गंगेटिक रीजन अलग है, जो कि कौन सा वाला है, वो वाला गंगा रिवर वाला। अभी मुस्लिम आ रहे हैं तो वही तो क्लेम करते हैं, वही तो क्लेम हिंदुइज्म इस्लाम से पहले है, वो वैसे भी पहले है, बड़ा भाई ने बड़ा ही रहना है, उसको आप कहेंगे जी बड़ा क्यों है, तो डेफिनेटली एक चीज हिस्ट्री में पहले आ रहे हैं, ये उनकी हिस्ट्री पहले, हमारा तो 572 में आ गए मुस्लिम की आमद, उससे पहले क्या यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा था, वही बात जी। हाँ हाँ बोलो, इस्लाम नहीं था वो, आप कह सकते हैं अब्राहमिक रिलीजन, ठीक है, वो अब्राहमिक रिलीजन जो ज्यूडिज्म के ऊपर बात की, क्रिश्चियनिटी के ऊपर बात की, इस्लाम नहीं था वो, था अब्राहमिक रिलीजन। अब्राहमिक रिलीजन उधर मैंने बताया था उस दिन आपको, यूरोपियन रीजन के अंदर सारे का सारा, और देन वो मिडिल ईस्ट वाले रीजन के ऊपर बात की। और उस वक्त ये इन्होंने भी क्वेश्चन किया था, तो ये एक्चुअली नेचर के ऊपर बिलीव करते थे, यहाँ पे क्रिश्चियनिटी और ज्यूडिज्म नहीं आया था, हिंदुइज्म भी नहीं आया था, तो ये नेचर के ऊपर बिलीव करते थे। ऑनलाइन वालों में से किसी ने क्वेश्चन पूछा था, दी आप दोबारा पूछे। एक्चुअली कैमरा रोटेट करने का कह रही थी, वहां से नजर नहीं आ रहा। दोनों को फिर कंपेयर कर देना, में सारा यहाँ पर समझ आ गया जी। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो जी, ये जैन मंदिर नहीं देखा आपने, जैनिज्म का सर, ये जैन मंदिर में जैनिज्म के कॉलर पारसी जो है ये ज्यादातर इसी को फॉलो करते थे, ठीक है। और जनाह साहब ने जो पहली बेगम से शादी की थी वो कौन थी, रतन भाई, ठीक है। तो ये सारे हैं सर, अब आपने नहीं पढ़ा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो है ये। चलो आपको पारसी मिलेगा तो मैं आपके एड्रेस पे भेजूंगा। रतन भाई का जो है ना रिलीजन को, ये रतन जो है वो उसको अब इसी में जो है, अब यहाँ पे ये तो नहीं है ना क्या बात, तो निकाल अच्छा जी, मैं अब इसे रिमूव कर रहा हूँ, सेकंड फेज के ऊपर बात करते हैं यहाँ पे जी। जी जी ये भी लेते हैं।
सेकंड फेज को अब अगर थोड़ा ब्रेक करना है तो कर लेते हैं क्या सेकंड फेज है बोल तो 5 मिनट चलो 5 मिनट का ब्रेक करते हाँ मैं जा रही हूँ तुम्हारा नाम नहीं आता Thank you.
Thank you.
Thank you.
वो नाम यूज करता है उसके मैंने एप्लीकेशन में बता दो कि आप उसको ब्रेक लग रही है वो बहुत सारी चीजें कंट्रोवर्शियल हो जाती है। चलो बात कर लेते हैं अपन में वो जो बात कर दो और अल्लाह के नजदीक बेहतर होगी जो इस्लाम है ठीक है। तो वो उस तरह आपको उस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो फिर वो तीनों जाने के लिए ठीक है। ये पूरी प्लान पास क्या है और दीन है और इस्लाम है सारे पानी वाली बोतल पकड़ाना चली जाए कुछ भी नहीं होता बस आप मुझे से पैसे लेते हैं साइलेंट प्लीज। अच्छा जी दोबारा अब हम स्टार्ट करते हैं मुस्लिम रूल इन ब्रिटिश इंडिया तो नहीं इंडिया आपके हैं मुस्लिम रूल इन इंडिया तो ये आपका जो सिलेबस है एफपीएससी का सबसे पहले वहां पे यही हेडिंग दी होगी कि मुस्लिम रूल जो है वो इंडिया के अंदर उसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट किया।
इंटरव्यू में ज्यादातर क्वेश्चन इस पोर्शन से पूछता है, जब आपका रिटन क्वालिफायर हो जाएगा तो बजाय इसके कि दोबारा आप इस चीज को पढ़े, तो यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन इंटरव्यू वाले जो है वो पूछते रहते हैं, क्योंकि तो उन्हें पता है कि ये जो बाजारी किस्म की बुक से नॉलेज आ रहा है वो सबको ही पता है। तो जो लोग अच्छे नंबर स्कोर करते हैं, यानी कि अभी रिसेंटली वो आई थिंक छठे नंबर पे जो थी फीमेल का 658 है आई थिंक रिटर्न का स्कोर 658 है और 238 लेके इंटरव्यू में सिक्स पोजीशन पे आती है, लेकिन उसका वाइड व्यू से 89 से इंटरनेशनल रिलेशन में आई थिंक और हिस्ट्री में मास्टर। ऑफकोर्स जब आप डेट हिस्ट्री के आंसर करते हैं तो एग्जामिनर को पता या पैनलिस्ट को ये पता चलता है कि ये सिर्फ ये वाले रीजन के बारे में नहीं जानता बल्कि होलिस्टिक पिक्चर है इसके माइंड में। तो जब अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो डेफिनेटली आप एक अपने अंदर जो है रियल टर्म चीजें जो है प्रोड्यूस करें और कंप्लीट एनालिसिस रखें चीजों, कोई इतना टाइम नहीं लगता, थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह ये चीजें चल रही थी, थोड़ा इसके ऊपर और एफर्ट करें तो इनको मजीद जो है एनहांस भी किया जा सकता है। मैंने एक क्विक रिव्यू टाइप की ये चीज की थी, इतना लंबा टाइम मैंने इस पर नहीं लगाया और रीजन यही है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता तो स्टूडेंट इसको पढ़ते ही नहीं है, तो ना पढ़ने से ये बेहतर है कि थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए क्या होता रहा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने वहां से क्विक रिविजन दिया। ये वाला पोर्शन भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो 712 से लेके 1526 तक का यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ एमसीक्यूज आ जाते हैं, ठीक है, पाकिस्तान अफेयर के समटाइम यहाँ से, बल्कि वो भी ज्यादातर 1526 से बाद का जो पीरियड है वहां से स्टार्ट होते हैं। तो अगेन ये वाला भी, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनको जो समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए पाकिस्तान अफेयर के लिहाज से, तो इसीलिए यहाँ पे भी एक क्विक रिवीजन है अगेन। और देन 1526 से आगे ऑनवर्ड जब हम जाएंगे 57 तक तो वहाँ पे थोड़ा स्लो डाउन करेंगे और देन 1857 के बाद का जो एनालिसिस है वो बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस होगा, वहाँ पे एक एक चीज के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि वो जो पोर्शन है वहां से भी दो क्वेश्चन अब आते हैं और देन दो के बाद 1947 के बाद वाला पोर्शन, उस पर तो अगेन हमारी 70 साल की हिस्ट्री है, वो तो हमें डेड श्योर होना चाहिए, उस पर तो कोई डाउट नहीं होने चाहिए हमें, तो उस वाले पोर्शन पे हम बात करेंगे और देन उसके बाद कंटेम्पोरेरी इश्यूज के ऊपर बात करेंगे, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप हो गया, प्रॉक्सी वॉर्स होगी आजकल जैसे चल रही है, देन उसके बाद नेशनल इंटीग्रेशन का इशू चल रहा है, एथनिक इशूज चल रहे हैं, ये सारे कंटेम्पोरेरी, देन हम बात करेंगे वाटर डिस्प्यूट के ऊपर, देन एनर्जी के ऊपर, देन उसके बाद जो है हमारे इकोनॉमिक कॉजेज जो है वो बात करेंगे, देन उसके बाद सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो एवोल्यूशन है पाकिस्तान के अंदर उसके ऊपर बात करेंगे और देन एंड पे जाके फॉरेन रिलेशन बनेंगे डिफरेंट स्टेट्स के साथ, कैसे इस तरह पाकिस्तान अफेयर को जो है वो वाइंड अप कर देंगे, तो बहुत सारा यहाँ से हो जाएगा आपका। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं 712 में, तो 712 में फर्स्ट जो है ऑफकोर्स मोहम्मद बिन कासिम को ही कहा जाता है, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम से भी पहले जो है वेस्ट से जो है वो इन्वेजन होती रही है मुस्लिम की ही, तो वैसे तो लोग कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम हीरो है, बट आई डिड नॉट एग्री विद दैट स्टेटमेंट, तो मैं उनको हीरो नहीं समझता और उसकी रीजन यही है कि जो चीज हमें बताई जाती है वो एक्चुअली हिस्ट्री में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, कि वो जो कहते हैं कि हम तो मुसलमानों की खैर खा के लिए और इस्लाम की फलाह के लिए और इस्लाम की तरक्की के लिए हम उम्मीद कर रहे थे, तो इधर तो आप इस्लाम का जो है वो हमें एजेंडा पेश कर रहे हो और वही वलीद बिन अब्दुल मलिक जो है वो क्या कर रहा है मक्का के अंदर कत्ले आम कर रहा है मुसलमानों का, ठीक है। एक्चुअली ये क्या था, भतीजा था किसका, हज्जाज बिन यूसुफ था, वो गवर्नर था किसका, इराक का, इराक का गवर्नर था और उस वक्त का जो खलीफा था वो कौन था, वलीद बिन अब्दुल मलिक, ठीक है। और उनके बारे में मैंने आपको बड़े डिटेल में बताया था, वलीद बिन अब्दुल मलिक और हिशाम बिन अब्दुल मलिक और देन उनकी पॉलिसीज के बारे में, सलमान बिन अब्दुल मलिक, तो देन उनकी पॉलिसीज क्या थी और ये सारे कौन थे, बनू भैया वाले, और 30 साल का ये पीरियड है जिसमें उन्होंने 30 साल पहले कर्बला में उन्होंने क्या क्या नहीं किया, और यहाँ से हमें ये आके बता रहे हैं कि हम तो, और ये सारे कमांडर कहाँ से थे, ये जो कमांडर है तू इधर से ये वाला और उधर से वो तारिक बिन ज़ियाद और मूसा बिन नुसैर, ये सारे के सारे क्या है, उम्मीदी है। हम उनको बहुत ज्यादा प्रेस तो करते हैं लेकिन हम ये नहीं बताते कि ये क्या चीजें होंगे, तो वो कंट्रोवर्शियल यानी कि क्रॉप्ड रिलीजन हम पेश करते हैं, इतना सा रिलीजन इनको जरूरत है उतना सा दे दो, बाकी का इनसे मिनिमाइज कर लो सके। तो इस तरह की 712 में अगर आप उसको समझते हैं कि एक्चुअली वो इस्लाम के लिए आया था, तो मेरा नहीं ख्याल है क्योंकि हिस्ट्री नहीं बता रही हमें, अगर इस्लाम की फलाह कर रहे हैं तो यहाँ पे तो आप मुसलमानों का कत्ले आम करो,
और बाहर गेट पे जाके कहो कि मैं मुसलमान हूँ और मुसलमानों के खिलाफ के लिए लोगों को मुसलमान कर रहा हूँ जो पहले है उनको आप मारी जा रहे हो। और उन्हें जैद साहबा ग्राम जो थे खरीद किया गया मक्का के अंदर जीवन दो, वो मैंने आपको बताया भी है सारी वो, बाकी एक अलग मिडल हिस्ट्री जो है वो मिडल ईस्ट का जब हमने टॉपिक कवर किया था तो वहाँ बड़ी डिटेल डिस्कशन हमने की किया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चलो आप यही आइडिया रखिएगा 712 में मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद एक्चुअल जो इन्वेजन होती है जी हाँ जी नहीं इतना जरूरी नहीं है आप हीरो ही बना, इस पे कभी क्वेश्चन भी नहीं आता। डायरेक्ट आप पिछले 70 साल के क्वेश्चन उठा के देख ले वहां पे आप मोहम्मद बिन कासिम वाला हाँ ठीक है हम कहते तो है कि जब पहला मुसलमान हुआ था तब से यहाँ पे इस्लाम आया है, लेकिन वो पहला मुसलमान वो नहीं था, कम से कम वो तो खैर उसका तो आइडियोलॉजी और थी ना, उनकी आइडियोलॉजी थी एक्सपांशन की ठीक है। वो वलीद बिन अतल मतलब इतने वो जालिम किस्म के लोग थे मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि वो हरम शरीफ के अंदर तो चिड़ी का भी जो है आप शिकार नहीं कर सकते, तो वहां पे इन्होंने कत्ले आम करवाया था और इतने सारे हुफाज कराम को जो है जैयद साहबा कराम को इन्होंने शहीद करवाया। और बाद में मैंने ये स्टोरी बताई भी है कि फिर इनकी लाशें निकाल निकाल के क्या किया था इनके साथ नवासी और उसके बाद चलो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे। अच्छा वैसे एक और मजे की बात बताऊ यही पे वो ये थी कि सर ये लोग फाइट तो कर रहे थे बाद में इन्हीं नहीं वलीद बिन अब्दुल मलिक इन्हीं लोगों ने इनको भी मरवा दिया, सारे जर्नैलों को मरवा दिया, उम्मीदों के जितने भी अच्छे जर्नैल थे ना वो सारे के सारे इन्होंने मरवा दिए थे। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं ये इस्लाम की फलाह के लिए कर रहे, वो सिर्फ अपनी डिक्टेटरशिप को एक्सपैंड कर रहे हैं। जी सर कैमरा रोटेट कर दें नजर नहीं आ रहा, कैमरा मैन रख लें आप ऑनलाइन वाला मुझे बहुत लॉजिक है मैं बड़ा इस चीज से मोहम्मद बिन कासिम 712 उसके बाद एक्चुअली जो एक्सपेंशन है सुने कि स्टार्ट कैसे होता है इस्लाम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपको पता है अब ये वाला इंडस रीजन हो गया, अब थोड़ा सा इधर मूव करके आ जाओ कहाँ पे मिडल ईस्ट वाला रीजन, मिडल ईस्ट में मक्का मदीना देन आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड करता है ऊपर की तरफ सीरिया, सीरिया से इराक और ये वाला जो इराक और देन तुर्की और जहाँ पे आज ये अर्तुगरुल आप देख रहे हैं ये वाले सारे काई कबीला जो है ये सारे जो कबायल हैं ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होते हैं मुसलमान होते हैं। वहां पे एक्चुअली तुर्क मुस्लिम यानी आप कह सकते थे वो तुर्क कबीले के लोग हैं जो एक्चुअल इस्लाम को यहाँ पे आके प्रमोट करते हैं। उनमें से जो सबसे पहला नाम है वो कौन सा है सबुक्तगीन का है, सबुक्तगीन जो है वो 901 के अंदर जो इलाका इराक से मूव करके आता है और गजना में आके गजना जो आज गजनी है अफगानिस्तान में वहां पे आके अपनी जो है वो रियासत एस्टैब्लिश करता है। उसका बेटा है महमूद ठीक है महमूद गजनी जो है ठीक है वो किसका है सबुक्तगीन का बेटा और वो जो आपने स्टोरी पढ़ी है कि वो ख्वाब देखता है एक दरख्त है उसके नीचे हरन है और उस वो दरख्त बढ़ता जा रहा है तो वो एक्चुअली महमूद गजनी के बारे में ही था। और देन जब वो चला जाता है सबुक्तगीन उसके बाद गजना के ऊपर किसकी हुकूमत होती है महमूद गजनवी की। तो पहला मुस्लिम लीडर जो इन्वेड करता है तुर्क है ये तो ये करते हैं ये जो खैबर वाला है जी तो यहाँ से अफगानिस्तान वाला जो रीजन है इधर से अटैक होता है। यहाँ पे जो राजा है हिंदुओं का वो राजा जयपाल है ठीक है तो दोनों लिखे आप यहाँ पे गजनवी का अटैक और देन इसके सारे कारनामे आप तो से भी लिखते हैं तो महमूद गजनवी ये बड़ी एक फेमस ही वॉर है इन दो के दरमियान की। यहाँ पे उस वक्त इस रीजन में किसकी हुकूमत है राजा जयपाल की और उधर से गजना में किसकी हुकूमत है महमूद गजनवी की। महमूद गजनवी अटैक करता है इस रीजन के ऊपर और ये वॉर होती है जिसे हम कहते हैं बैटल ऑफ पिशावर। ये दरिया जेहलम का जो बैंक है वहां पे होती है हिंदू कश वाला भी मैं उस पर भी बात करता हूँ। तो बैटल होती है अभी कौन सी
बैटल ऑफ पिशावर, 1001 के अंदर। अभी मतलब ये जो पाकिस्तान वाला रीजन है, ठीक है, ये पाकिस्तान वाला, दिल्ली वाला और नीचे यानी कि जो अपर इंडिया है यहाँ पे हम, या नॉर्दर्न इंडिया जो है वहां पे हम बात कर रहे हैं। मैंने अभी कहीं पे भी नहीं बात की, अभी सिर्फ इंडिया पूरा है जी। इधर क्या है, अफगानिस्तान वाले गजना में किसकी हुकूमत है जी, महमूद गजनवी की, यहाँ पे हिंदू राजा है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो पंजाब वाला रीजन है और गंधारा वाला, यहाँ पे किसकी हुकूमत है जी, राजा जयपाल की। किसकी? राजा जयपाल की। महमूद गजनवी अटैक करता है 1001 के अंदर और वॉर होती है दोनों के दरमियान, राजा जयपाल और किसके दरमियान, महमूद गजनवी के दरमियान, और बहुत ही कड़क किस्म की वार होती है, ठीक है। इस वार के साथ जुड़ा नाम है इम्पोर्टेंट, जिसे हम कहते हैं कोहे हिंदूकश। इतना ज्यादा हिंदुओं का कत्ले आम किया गया था कि उसे किलर माउंटेन फॉर हिंदू का नाम दिया गया, और उसके बाद इसे कहते हैं कोहे हिंदूकश। समझ आई करें मेरी बात? वो रेंज यानी जहां पे बैटल ऑफ पेशावर, जहाँ कहा एमसीक्यू भी आ जाता है, दरिया जेहलम के किनारे, वहां पे वॉर होती है, हिंदुओं का कत्ले आम होता है और इससे नाम पड़ जाता है। हाँ जी, नहीं इंडस जेलम है, जेलम और चिनाब के दरमियान, बल्कि नहीं ये आप वो उसका नाम लिया आ गया, बैटल ऑफ डिस्कस होती है जेलम के किनारे पे, तो ये इसको आप उधर ही रखें, ये पिशावर के साथ ही हो रही है, तो ये काइंडली सॉरी ये मिस्टेक हुई है थोड़ी सी, इसको बात है वो बैटल ऑफ डिस्पेस है, वो जेनरल के ऊपर है, वो जो कोरस की और उसकी भी है, क्या नाम है, अलेक्जेंडर, वो ये पिशावर के साथ हो रही है। पिशावर में वो हिंदूकश रेंज जो है, अब होता क्या जी, वहां पे महमूद गजनवी की जो आर्मी है एक बड़ा स्ट्रॉन्ग अटैक करती है, जिसमें हिंदू जो है वो कम्प्लीटली क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और हिंदू राजा जो है, राजा जयपाल जो है, उसको पता चल जाता है कि अब हम हार चुके हैं, तो उसमें क्या करता है, वो कहता है कि बजाय इसके कि इस हारी हुई शख्सियत के साथ मैं वापस जाऊं, वो वहां पे हुक्म देता है कि आग जलाई जाए, क्योंकि चिता को आग लगाते हैं वो लोग, तो वो कहता है वहां पे भी जाके लड़ना है, तो वो उस आग में पहले खुद स्नान लगाता है और वहां पे वो जो है उसकी आत्मा जो है वो रुक जाती है, और देन उसके पीछे बहुत सारे उसके सोल्जर भी जो है वो छलांग लगा देते हैं एक्सपायर कर लेते हैं। हाँ वो ऑफकोर्स वो मैं अभी उसके ऊपर भी बात करता हूँ आगे भी, वो जो सती वाला है ना, वो उसके साथ मिलता जुलता ही है वैसे, यानी कि जिनके शौहर जो है अगर अटैक करता था, तो वो मैंने एक दिन आपको बताया था सिविलाइजेशन अंदर जो रेप कल्चर होता था, वो एक्चुअली किसी स्टेट का जो मॉरल क्रेडिबिलिटी है उसकी तबाही के लिए होता था, तो ये इन्होंने उसको काउंटर करने के लिए, अगर घर वाला मर गया है तो बजाय इसके कि आप जो है स्लेव बने और प्रिजनर ऑफ वॉर बने, उससे बेहतर ये है कि आप अपने आप को मार डालेंगे, तो ये वहां पे भी था। तो राजा जयपाल जब वहां पे हारता है तो वो फिर वहां पे आग जलाता है, यानी हुक्म देता है, और देन वो खुद उसमें छलांग लगाता है, और उसके पीछे बहुत सारे हिंदू भी छलांग लगा देते हैं, उसके सोल्जर्स भी, तो वहां से ये नाम पड़ जाता है कोहे हिंदू कश। महमूद गजनवी वहीं पे जी जी वही 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 से ही नाम चला आ रहा है, उस दिन से ये चला आ रहा है। महमूद गजनवी वहां पे नहीं रुकता, देन वो आता है पंजाब की तरफ, और पंजाब से देन ये वाला अपर पंजाब, और देन इंडियन पंजाब, और फिर पंजाब में भी नहीं रुकता, देन राजस्थान, और राजस्थान से गुजरात तक जाता है, ठीक है, सोमनाथ के मंदिर तक भी जाता है। तो सोमनाथ का मंदिर कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है, ठीक है, गुजरात के अंदर है, और रिवर का नाम क्या है जिस किनारे पे वो है, तो बताएगा ना, बड़ा इंपॉर्टेंट रिवर है, वैसे गुजरात सोमा है, वैसे संस्कृत में उनकी विदिक में एक वर्ड यूज होता है सोमा, सोमा का मतलब है सरस्वती रिवर है, सरस्वती रिवर ये विदिक के अंदर बड़ा रिवर है, उसी को सोती भी कहते हैं, या सरस्वती इंग्लिश के अंदर वो बोलते हैं, तो हिंदी में वो बोलते हैं सोती या सोमा से,
ये तीनों चार वो वर्ड्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, महमूद, और यहाँ पे लिख लेंगे बल्कि सेपरेट एक छोटे से बॉक्स में लिख लेंगे। एक्चुअली ये है जी उमा, ये वो पीछे जो मैंने लिखवाया था जहाँ पे वैदिक बुक्स लिखी जा रही थी, ठीक है, 1300 में, वहां से ये संस्कृत का वर्ड है जी, और इसका मतलब है प्यूरिफाई करना। वही सोती रिवर की, और वो जो रिवर है वो इंग्लिश में उस तरह प्रोनाउंस करते हैं और हिंदी में इस तरह करते हैं, सरस्वती या जो जिस तरह आप नाम दे रहे हैं, तो वो जो है एक्चुअली वो भी हॉली रिवर है, ठीक है। वो उसका जिक्र किसमें मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है, यानी उनकी जो हॉली बुक्स है उनमें उस रिवर का बार बार जिक्र किया गया है। तो उसके किनारे पे है सोमनाथ, 3 माइल है सोमनाथ, और ये गुजरात में, इंडियन गुजरात जो है स्टेट, मोदी की स्टेट भी वही है। 2002 में कत्लेआम भी वहीं पे हुआ था, पता है ना, मुस्लिम मैसेकर का मोदी वाला जो है 2002 के अंदर, ह्यूमन राइट्स वायोलेशन के अंदर बात की थी शायद मैंने, तो वहां पे 2002 के अंदर, तो गुजरात के अंदर जो है एक, और मोदी बैन रहा है, एज ए टेररिस्ट डिक्लेयर करवाया गया था। आज इंडिया जो बना रहा है ना, ये यूएसए उसको बुलाता है, उससे कहते हैं मुस्लिम मैसेकर, और उसके बाद ये बैन रहा 2002 के अंदर। बल्कि जब वो वाले हुए थे अभी 2-3 दिन पहले एक केस का फैसला आया है, वो जो बानो कुदसिया केस का भी फैसला जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने दिया 2-3 दिन पहले, 2-3 दिन तो नहीं शायद 1-2 वीक हो गए, उसमें ये है कि बानो कुदसिया जो है उसे रेप किया गया था, 11 लोगों ने मिलकर रेप किया था, और बैन उसके ऊपर केस चलता है, और जो उनकी डोर कोर्ट है वो उनको जो है पहले जो है सजाए मौत देती है, देन उसके बाद लाइफ इंप्रिजनमेंट में जाता है, और अभी रिसेंटली इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तो उन्होंने उसको रिहा कर दिया 11 के 11 को, और उसी उसी के बदले में फिर 3-4 दिन पहले एक हिंदू लड़की जो है उसका मुस्लिम जो है 6-7 लोग मिलकर, अभी वो केस चल रहा है 2-3 दिन पहले, वो भी न्यूज में था, तो अगेन उन्होंने उसके बदले में फिर रेप कर दिया है। तो उनमें से 6 लोगों ने किया है, 6 में से 5 मुस्लिम है, और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब ये इस तरह करेंगे तो हम भी इस तरह करेंगे, ठीक है। तो इनजस्टिस एनीवेयर इज थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर, ठीक है। तो जब आप इस तरह का इनजस्टिस वहां पे करेंगे तो उसका रिस्पांस कहीं ना कहीं से आना ही आना है। तो ये चीज वहां पे, ये आजकल के सिनेरियो में ये बात हो रही है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप ह्यूमन राइट्स वायोलेशन की बात करें, ठीक है, तो वहां पे आप ये चीज कोट कर सकते हैं। नहीं नहीं वो वाली बानो नहीं, बल्कीस बानो है ये, सॉरी नाम वो तो मैंने बानो को सिया बोला है, बल्कीस बानो है, सॉरी ये नाम विस्फोट हो गया, बल्कीस बानो उसका नाम है, वो जो औरत है इंडिया की, मेरे दिमाग में पता नहीं किधर से बानो को सिया वो वाला है, ये बल्कीस बानो है, नाम काट के लिख लीजिए। अच्छा जी, अब होता ये है कि उसके बाद ये अपना जो अंपायर है उसे करता है एक्सपैंड, तो एक्सपैंड करते हुए ये ना तो पंजाब तक रुकता है, ना ही ये सिंध तक रुकता है, ना ये गुजरात तक, और देन सॉरी ये इंडियन पंजाब तक, राजस्थान, और देन ये कहाँ तक जाता है, गुजरात तक। तो ये 17 हमलों वाली स्टोरी उसकी ठीक ही है, 17 हमले किए थे उसने, और इसी को फतह करने के लिए सोमनाथ के मंदिर को, और 1024 के अंदर जाके जो है अल्टीमेटली ये पूरा जो है सोमनाथ का मंदिर उसे फतह कर लेता है। हिंदुइज्म में ये कहा जाता था कि ये इनविंसिबल है, कभी फतह नहीं किया जा सकता, ठीक है, वो कहते थे कि, और इसकी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि सस्पेंडेड बुक था एक, ठीक है, और वो मैंने आपको शायद स्टोरी बताई होगी कि नहीं, ये जो बंदा है महमूद गजनवी, ये साइंस लवर भी था, ठीक है, जितने भी साइंटिफिक लोग होते थे ना वो सारे इसके दरबार का हिस्सा होते थे, और अलबरूनी को यही लेके आया था, ठीक है, और अलबरूनी ने जो वो डायमीटर वाला सुना है वो इसी के साथ आया था, ये अलबरूनी, और देन उसके बाद नेक्स्ट मैं अभी क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि दादा दरबार का भी मेला चल रहा था तो वो किनके साथ आए थे, ठीक है, किसी को है आइडिया, अभी चलो आगे बात करते हैं। सोमनाथ टेम्पल 1024 के अंदर सिग्निफिकेंस में 4 चीजें थी, एक तो ये था कि एक ये कहते थे कि जितने भी आपने पाप किए हुए हैं उनको प्योरीफाई करने के लिए सोमा के टेंपल पे जाएं, और वहां पे जाके वो सारे गुनाह जो है वो क्या हो जाते हैं, धुल जाते हैं, एक तो ये इस तरह की इनकी आइडियोलॉजी थी।
दूसरा ये था कि इसका सस्पेंडेड बुत था एक, यानी कि ऊपर एक कैनोपी थी, कैनोपी के नीचे एक बहुत बड़ा बुत जो था वो सस्पेंडेड फॉर्म में था, यानी कि ना तो ऊपर किसी चीज से बंधा हुआ था ना नीचे किसी चीज से बंधा हुआ था। तो अभी यहाँ मैं आपको बताता हूँ मैग्नेटिज्म वाला जो ठीक है, तो ऊपर से भी खाली है नीचे से भी खाली है लेकिन सस्पेंडेड फॉर्म में वहां पे मौजूद है। तो दो चीजें ये हो गई। तीसरा ये था कि ये हर साल उसको प्यूरिफाई करते थे, वो जो सोती रिवर वाला या दूध वाला जो कंसेप्ट है ये वहां से पानी जो है जंगल गर्ल्स को यूज किया जाता था थी, और वो पानी लेके आती थी उस रिवर से और देन उसको जो है वो करते रहते थे पाप जहाँ पे पढ़ पढ़ के जो है ना वो अब ये उनको धोना है, तो वो सोती रिवर से लेके आते थे पानी और देन इस तरह की। और देन एक जो है और चीज है कि जंजीर की थी उसके साथ बड़ी बंदी, तो इस तरह की। और फिर देन हिंदुइज्म के अंदर ये मिथोलॉजी थी, कभी भी इसको पता नहीं किया जा सकता। तो बार बार उसको जो गुस्सा आ रहा था महमूद गजनवी को कि ये कौन सी फिलोसफी है इसको पता नहीं किया जा सकता, तो वो फिर इस्लाम को फॉलो करने वाले थे, तो वो कोई ऐसी चीज है नहीं जो अल्लाह ताला की जात से अबाउट द बियॉन्ड में जाके इस तरह का क्लेम करे। तो ये कुछ चीजें थी जिसने महमूद गजनवी को फोर्स किया कि वो अटैक करे यहाँ पे। जब ये 1024 में ये फतह हुआ तो वहां पे सबसे पहले जो है दो रिमार्क्स आए। सबसे पहले हिंदुओं ने ये कहा कि आप इसको ना तोड़ें, ये जो हमारा बुत है ना जो खुदा बना हुआ है वहां पे, आप इसको ना तोड़ें, इसके बदले में जितना आप सोना यानी एक तरफ इसको रखें दूसरी तरफ सोना रख लें, जितने आप चाहते हैं सोना चांदी जो कुछ चाहते हैं हम वो आपको देते हैं, तो आप इसको ना कुछ कहें। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा उसने मशहूर फिक्रा बोला था, कहता है कि मैं बुत फरोश नहीं मैं बुत फिकन कहलाना चाहता हूँ। तो ये जो उसका सेंटेंस है महमूद गजनवी का कि मैं कभी भी तारीख में बुत फरोश नहीं कहलाना चाहता, मैं बुत फिकन कहलाना चाहता हूँ। मेरी तो आइडियोलॉजी भी यही है कि मैंने इस तरह की जो है मिथोलॉजीज है उनको खत्म करना है। अगर मैं ये आज बेच देता हूँ तो सारी जिंदगी मुझे बुत फरोश ही कहा जाएगा, बुत फिकन नहीं कहा जाएगा। और जब बुत तोड़ा गया था उसने वो बुत के पत्थर जो थे वो भेजे थे मदीना शरीफ, और वहां पे जब जहाँ पे जूतियां उतारी जाती हैं वहां पे उसने वो पत्थर पहना है। ठीक है, बड़ी कमाल की स्टोरी है, ज़ाद ऐसे में बड़ा खूबसूरती से इसको बोल। अच्छा, जब हुआ ये कि जब वो सोमनाथ का टेम्पल के अंदर गया ना तो सारे हैरान हो गए, यार इतना बड़ा बुत और सस्पेंडेड फॉर्म में कैसे खड़ा, ना ऊपर कोई चीज है ना नीचे कोई चीज है, तो अब इसका क्या करें, कोई जा ही रहा था करीब ऊपर नीचे गया ऊपर ना गिर गया। उस वक्त अलबरूनी को भी बुलाया गया, ठीक है, अलबरूनी उस वक्त भी इनके लश्कर के साथ था महमूद गजनवी के, तो उसने आके जब देखा तो उस वक्त पाकिस्तान जो इस्लाम है उसका भी एक ग्लोरियस पीरियड चल रहा था, तो वो भी साइंस के ऊपर जो है बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। तो उसने आके वहां पे कहा कि ये एक्चुअली मैग्नेटिक फोर्स के जरिए से ये बैलेंस किया गया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की जो फोर्सेज है दोनों को क्या करवाया गया, काउंटर बैलेंस करवाया गया, और ये दांत का बना हुआ है, यानी दांत और इस तरह के मिक्सचर से बना हुआ है, और देन ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल की फोर्सेज बैलेंस है और जिसकी वजह से ये है। उसने कहा अब इसका हल क्या करें, उसने कहा कैनोपी पे जाके जो है ना एक दो पत्थर ऊपर से निकाल दो, वो भी मैग्नेट प्रॉपर्टीज रखते हैं, तो जब वो निकालोगे तो मैग्नेटिक फोर्सेस इम्बैलेंस हो जाएंगी, जब इम्बैलेंस होगी तो ये नीचे गिर के टूट जाएगा। अच्छा, अब वो पहले ये मुज़ाकरात चल रहे थे कि आप ये बुत जो है बेच दो, तो वो उसने कहा कि नहीं आई विल नॉट फॉलो दैट, मैं तो ये इस तरह की बात करने वाला ही नहीं हूँ। तो जब वो पत्थर निकाले गया तो वाकई वो मैग्नेटिक फोर्स थी, कोई ऐसी चीज नहीं थी, वो हिंदुओं की जो मेथोलॉजी थी वो एक्सपोज होकर बाहर आ गई और वो नीचे गिर पड़ा। अब जब वो गिरा तो उसमें से कहते हैं कि उससे ज्यादा सोना निकला था जितना वो दे रहे थे, ठीक है, तो वो सोना भी फिर लिया, फिर वो जो बुद्ध के साथ किया वो भी आपको बता दिया। इस तरह इस रीजन के अंदर पहली दफा जो है ये इस्लाम का एक रियल जिसे मैं कहता हूँ जिसने वाकई इस्लाम के लिए काम किया वो महमूद गजनवी ने आके ये सवाल किया। समझ आ गई मेरी बात की? अच्छा, अब ये तो थी हार्ड पावर मुस्लिम की, मुस्लिम इस्लाम को एक्सपेंड करने के लिए इस रीजन के अंदर ये कौन सी थी हार्ड पावर थी। अब हार्ड पावर के साथ दूसरी कौन सी पावर होती है, सॉफ्ट पावर होती है। ऑफ कोर्स एक सॉफ्ट इमेज भी इस्लाम का पोर्ट्रेट करना था, तो इसका बेटा था मसूद, महमूद गजनवी का बेटा कौन था, मसूद। वो जो है वो औलिया के साथ बड़ी मोहब्बत रखता था और वो हजरत दाता गंज पर शरीफ नियामतुल्लाह को लेकर लाहौर आया और फिर यहाँ पे आके इस्लाम की तबलीग जो है वो उन उलमा कराम ने स्टार्ट कर, जहां से सूफीज्म का जो ट्रेंड है यहाँ पे इस रीजन के अंदर वो स्टार्ट। समझ आई है कि मेरी बात की किस तरह ये चीजें हुई है, ये अब्रप्टली नहीं हो रही, अभी भी ये उस चल रहा था, पर शायद मैंने कहा कि इसको ये नहीं पता होगा कि पीछे क्या लॉजिक था, किस तरह का इस्लाम के लिए इन लोगों ने रोल प्ले किया। जब आप पीस के ऊपर ऐसे लिखें
पीस के ऊपर, म्यूचुअलिज्म के ऊपर, म्यूचुअल हार्मनी के ऊपर आप सूफीज्म को शुरू कोट किया। जितने भी सूफी हैं वो लव, पीस, टॉलरेंस, ठीक है, बर्दाश्त, तो वो हर चीज इसी के ऊपर ही बात करते हैं। बुल्ले शाह को कोट कर सकते हैं आप, वारिस शाह को कोट कर सकते हैं आप, बाबा फरीद को कोट कर सकते हैं। तो उस वक्त ये सबसे पहला जो है, तो जहां से चिश्तिया ऑर्डर जो है वो भी स्टार्ट करवाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। अगर कुछ सूफीज्म के ऊपर बात करना चाहता है तो लेकिन जो कि रेलिवेंट नहीं है यहाँ पे, तो मैं इसको साइड लाइन कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये इस तरह स्टार्ट हुआ। डेटा ये एमसीक्यू भी वैसे पिछले दिनों में शायद मैंने देखा था, उसने पूछा हुआ था कि दाता सब जो है, दाता गर्दश मेरी रहमत है, किसके दौर में सब यहाँ पे आया था, क्योंकि मसूर था, बेटा था इसका महमूद गजनवी का, जब ये चला जाता है उसके बाद वो गजना हुकूमत जो है वो किसके पास आ जाती है, मसूर के पास। और ये अभी नहीं आया मसूद और उनके साथ यहाँ पे हजरत दाता गंज, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें यहाँ पे टेंपल की एग्जांपल भी हो गई, ये भी हो गया। अब यहां से क्या स्टार्ट हो जाता है, सूफीज्म, ठीक है, यहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाता है, सूफीज्म। तो पूरा सूफीज्म यहाँ पे प्रिवेल करता है आस्ता आस्ता। तो दोनों अब हार्ड पावर भी प्लस सॉफ्ट पावर भी, और ये क्या कर रही है, दोनों यहाँ पे इस्लाम को एक्सपेंड कर रहे हैं। उसके बाद शहाबुद्दीन गौरी की बारी आती है। अभी 1191 के अंदर कहीं वो आके जो है अटैक करता है, बैटल ऑफ ट्रेन उसे होते हैं, जो बैटल ऑफ ट्रेन बोलते हैं। शहाबुद्दीन गौरी जो है ये गुर एक इलाका है इराक का, ठीक है, वहां से एक्चुअली ये मिलिट्री लीडर था, वहां से निकल के आता है यहाँ पे, और देन गजना में जहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता वो फिर खत्म हो गया। पहले यानी कि सुगुप्तगीन की हुकूमत थी गजना में, सुगुप्तगीन के बाद कौन आ गया, महमूद गजनवी, महमूद गजनवी के बाद उसका बेटा मसूद, और मसूद के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता तो वीक होना शुरू हो जाती है। जब वीक होती है उसे शहाबुद्दीन गौरी आके गजना पे जो है वो कब्जा कर लेता, पहले वहां पे आके कब्जा करता है शहाबुद्दीन गौरी, देन आगे एक्सपेंड करता है, फिर वही फिलोसफी जो पिछले ने की है। तो ये जो है 1190 के अंदर जो है ये वॉर होती है जी, 1191 के अंदर ये महमूद हो गया। अब गजनवी की बात करते हैं, अच्छा इसका जाग रहा है, ये जो आप कहते हैं ना कि गौरी आया थी, ये वैसे दोनों चीजों के लिए ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, जी जी सर, ये मसूद और फिर उससे पहले महमूद गजनवी, ये भी मुस्लिम से, दोबारा बोले जी, तो ये शहाबुद्दीन गौरी भी मुस्लिम, सर ये जो शहाबुद्दीन गौरी के आने से पहले मुस्लिम रूल ही चल रहा है, तो फिर इन्होंने आके अटैक क्यों किया मुस्लिम? अब वो मैंने एक आपको शायद अभी, ये सारे मुस्लिम्स एक दूसरे पे अटैक करेंगे, यहाँ से आगे जितने भी अटैक्स होंगे ना वो सारे मुसलमान ही मुसलमानों पे करेंगे, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि क्यों कर रहे हैं, अपनी पावर के लिए एक दूसरे को मारेंगे भी, कत्ले आम भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो देन पावर गेम भी तो आ जाती है ना, ठीक है। पहले तो दोनों भाई थे, बड़े बड़े भाई थे, जब प्रॉपर्टी का मसला आया तो दोनों एक दूसरे को मारने पे आ गए, तो वो मैं अभी बताता हूँ। आगे सारे मुस्लिम के ये अटैक है, शहाबुद्दीन गौरी, गौरी भी आके वॉर करता किसके साथ, पृथ्वीराज चौहान के साथ, ठीक है। तो ये बैटल ऑफ ट्राइन होती है 1191 के अंदर। एक तरफ कौन है जी, शहाबुद्दीन गौरी वर्सेस, दूसरा कौन है जी, पृथ्वीराज चौहान, लिख दूंगा, लिख लेंगे, अच्छा लिख लिया। अगेन यहाँ पे दोनों नाम जी, एक तरफ गौरी, पृथ्वीराज, ये हिंदू राजा है जी,
जहाँ पे ये वार लड़ी गई है। अच्छा जी, गजब की वॉर होती है जी, अगेन हौरी जहाँ पे जीता है, ठीक है ये वॉर। उसमें जो 1190 वाले वो स्क्रिप्शन पे आती है, ठीक है पहले वो एक छोटी जड़बे जैसे आप कह सकते हैं, तो मैंने वो मेन चीजें जी बता दी बस एक उस पे। तो बाप जाए तो फिर इसमें बैटल होती है, वॉर भी नहीं आते बैटल्स में, पहले वो भी तो कुछ बैटल जीतते हैं, वो भी आगे उसकी हिस्ट्री में जाए तो वो एक बहुत चीज हो जाएगी। तो मैंने एक बस जेनेरिक बता दिया है कि आप इसको पता करवा दो। मैंने मसूद का नहीं, उसकी भी आगे आप इंसेस्टर आ गए वो फोर फादर लिखा है। तो पहले वहां पे आके रजना को कैप्चर किया, रजना से पहले एक्सपेंड किया। हाँ जी दोबारा बोलो कौन सी जगह। मैंने कहा कि वो जो वाली बात कर रहे थे, गजनी वाला जो इलाका है वहां पे जो पहले अंपायर था वो किन का था, मैं कर था। तो उसके बाद शाहबुद्दीन बारी आता है, एक इलाका मैंने बताया, तो इसने आके गजना की जो वो टेरिटरी है या वो जो पहले रीजन है उसको कैप्चर किया, देन उसके बाद फिर एक्सपेंशन कर रहा है ये, तो देन ये आके बैटल ऑफ पानी। अच्छा जी, अब इसके बाद जो है ये अगेन यहाँ पे आपने उसको बताया गौरी वाला और स्मृति वाला, आज भी ये कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ से आ रहा है, जो मिसाइल रेस चली हुई है हमारी, तो हमने बनाया गौरी जो हमारा सरफेस टू सरफेस क्या है शॉर्ट रेंज मिसाइल है। मैंने उसको भी आपको बताया था कि पाकिस्तान आईसीबीएम नहीं बनाते, पाकिस्तान शॉर्ट रेंज मिसाइल बनाता है सारे, हमें आईसीबीएम की जरूरत ही नहीं है, इंटरकॉन्टिनेंटल पुलिस की मिसाइल की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा थ्रेट क्या है इंडिया, तो हम इसीलिए शॉर्ट रेंज या क्या है इंटरन रेंज बनाते हैं, ठीक है इंटर रेंज मिसाइल बनाते हैं, ताकि हम इंडिया का ईस्टर्न पार्ट भी हमारे कब्जे में रहे यानी कि अटैक के हिट में रहे और वेस्टर्न भी हमारे अटैक में रहे। तो डेफिनेटली इसीलिए तो ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जी, और ये जो है इंटर रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, थोड़ा सा उससे ज्यादा है पृथ्वी। तो जब हमने गौरी बनाया तो उन्होंने उसके कंपटीशन में क्या लेके आए, पृथ्वी लेके आए। ये एक्चुअली दोनों क्या है हमारे लीडर्स हैं, और यहीं पे ही हमने बात करनी है जो जिना साहब कहते थे ना, एक का हीरो जो है वो दूसरे का विलन है, और दूसरे का विलन जो है पहले का हीरो है। तो ऑफकोर्स इसीलिए आप ये नहीं कह सकते कि टू नेशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, एक्चुअली वो ये वाला इंसिडेंट, समझ आई कि नहीं मेरी बात कि जिना साहब ने जो कहा था ना कि दे कैन नदर इंटर टाइम नॉट इंटर मैरी, ठीक है द विलन ऑफ द हीरो ऑफ वन इज द विलन ऑफ द अदर एंड द विलन ऑफ द अदर इज द हीरो ऑफ द फर्स्ट, तो इस तरह की जो उन्होंने स्पीच की थी एक्चुअली वो इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे कि आप कहते हो कि ये पृथ्वी जो है वो हमारा हीरो है, हम उसे विलन मानते हैं, हम जो है वो गौरी को हीरो मानते हैं, आप उससे विलन मानते हैं, और उससे पीछे जो है आपको दूसरे वाले जो हमने अभी बात की थी चौहान वाले से पहले जो किया अभी ये सोमनाथ वाले, तो वहां पे भी यही था। एक्चुअली हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट उस बात का ये वाला है, यहाँ से यानी कि दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स जो है वो हमेशा क्या रहे हैं अपोजिट पोल्स पे ही रहे हैं, कभी ये नहीं रहा कि दोनों एक पेज पे खड़े हैं, ये बात एक्चुअली यहाँ पे हो रही। आज भी इसको हमने प्रसूद किया हुआ है। पृथ्वीराज चौहान, अच्छा जी जहां से इंटरेस्टिंग स्टोरी स्टार्ट होती है, रजना एक उस वक्त की स्टेट समझ लें, दूसरा पंजाब का रीजन है, और तीसरा मुल्तान वाला रीजन है यानी कि लोअर जो है साउथर्न पंजाब वाला वो वाला, तीनों के तीनों किसके कब्जे में है जी, ये गौरी के कब्जे में, किसके कब्जे में गौरी के कब्जे में तीनों के तीनों। गजना पंजाब वाला ये वाला रीजन, और देन मुल्तान वाला जो साउथर्न रीजन है वो वाला, तीन है जी इस वक्त रीजन,
तीन में डिवाइड हुआ हुआ है ये एम्पायर। जब शाबुद्दीन गौरी बनता है तो उसके तीन गुलाम जर्नैल होते हैं जो स्लेव डायनेस्टी की यहाँ पे बुनियाद पड़ेगी। तो सबसे पहला कौन सा है, गुलाम जो है स्लेव डायनेस्टी जो है उसकी अभी यहाँ पे, हाँ जी। तो उसमें से तीन है, एक है तजीउद्दीन यिल्दिज़, दूसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक और तीसरा है नासिरुद्दीन कबाचा। तीन जर्नैल हैं। पहला कौन सा है मैं अभी बताता हूँ, पहला कौन सा है जी, कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा नासिरुद्दीन कबाचा और तजीउद्दीन यिल्दिज़। जो तजीउद्दीन यिल्दिज़ है उसको वो वाला इलाका मिल जाता है जो लाहौर वाला ये वाला और दिल्ली वाला ये वाला सारा, ये किसको मिलता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को, और तीसरा जो नासिरुद्दीन कबाचा है उसे वो वाला रीजन। समझ आ गई मेरी बात की, तीन उसके गुलाम जर्नैल है, ठीक है। तो तीनों को जो स्लेव डायनेस्टी में तीन लोग हैं, इन तीनों को वो डिवाइड हो जाता है उसके मरने के बाद। तो 1206 से लेके 1211 तक जो है यहाँ पे कौन रहता है इस वाले रीजन में, 1210-11 है वैसे दोनों जिधर ही है। इस तरह का सीन है। तो यहाँ पे ये पंजाब अपर वाला दिल्ली तक का डिस्ट्रिक्ट है, ये एक के पास चला गया कुतुबुद्दीन ऐबक के पास, ये नीचे वाला साउथर्न पंजाब जमतान वाला जो है ये नासिरुद्दीन के पास, और ऊपर वाला जो है यहाँ पे हजना, तो हजना किसके पास है, गदर के पास है, ठीक है जी। तो ये तीन लोगों के दरमियान डिवाइड हो जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की कब्र कहाँ पे, कहाँ पे, अनारकली बाजार में, अनारकली में इंटर हो ना तो आगे एक ऐसे छोटी सी गली अंदर जा रही है, कभी जाकर पहले तो वहां पे जब 2011 में फर्स्ट टाइम मुझे पता चला था कि ये जी कुतुबुद्दीन ऐबक की कब्र है, तो हम लोग गए थे तो टूटा फूटा हुआ था, यानी कुछ भी नहीं था, उसकी दीवारें भी टूटी हुई थी और कोई चीज भी नहीं थी, तो ऊपर जो गुम्बद था उसको भी सराख हुए हुए थे। तो अभी इन्होंने दोबारा उसको थोड़ा रिवाइव किया है, अब तो उन्होंने थोड़ी सी बाड़ बूढ़ लगा दिया उसको। ये यहाँ पे है जी, 1206 से लेके 1210 तक। तो जो स्लेव डायनेस्टी है, वैसे यहाँ पे अब हम चार पांच डायनेस्टी पढ़ेंगे, पहला स्लेव डायनेस्टी, दूसरा खिलजी, खिलजी के बाद कौन से आएंगे जी, स्लेव, स्लेव के बाद तुगलक, और तुगलक के बाद कौन से, सैयद, और सैयद के बाद लोधी आएंगे, और लोधी के बाद फिर कौन आएंगे। तो ये भी आप अगर आउटलाइन में छोटा सा बना के लिखना चाहते हैं तो लिख लें। अब यहाँ पे डायनेस्टी में सबसे पहले स्लेव, ऐसे स्लेव है, टाइमलाइन बना दें छोटी, स्लेव के बाद खिलजी, खिलजी के बाद तुगलक, तुगलक के बाद सैयद, और सैयद के बाद नीचे आ गए लोधी, और देन इब्राहिम लोधी के बाद यहाँ पे मुगल आ गए। प्राइमरी क्वेश्चन मुगल्स, और मुगल्स के बाद देन ब्रिटिश। वो ऑनलाइन में से जिसने क्वेश्चन पूछा था, सर ये सारे के सारे मुसलमान मुसलमानों पे अटैक करेंगे, ठीक है। तो जो आपका ये था कि सिर्फ मुसलमान होने के नाते हम किसी पे अटैक नहीं कर सकते, वो फिलॉसफी खत्म हो जाती है यहाँ पे। ये छोटी सी टाइमलाइन बना ले साथ में एक पेज, ताकि आपको ध्यान में रह सके, इनके ऊपर आप आगे डिटेल बात करते हैं। यहाँ पे एम्पायर जिसका डिवाइड होता है, जी जी
गजना प्रेजेंट है अफगानिस्तान ईरान नहीं नहीं गजना सर अफगानिस्तान है आज भी उसका एक सूबा है गजनी दिल्ली सल्तनत की बुनियाद किसने रखी हुई वैसे ये भी ऐसा हो जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जी जी उस वक्त ये कॉन्सेप्ट होता था कि ये जो इधर से आ रहे थे तुर्क जो थे उनमें स्लेव जो है वो बेटों की तरह समझे जाते थे गुलाम जो है ठीक है यानी कि उनके जर्नैल तो होते थे लेकिन जो पहले गुलाम होते थे बेटों की तरह वो प्रूव करते थे प्रवेश और उनके साथ बेटियों की शादियां भी बादशाह कर लेते तभी मैं आगे वो स्लेव ये वाले स्लेव ना समझिएगा जो अमेरिकन स्लेव वाली बात बताई थी अमेरिकन स्लेव में और यहाँ पे स्लेव में डिफरेंस है अमेरिकन वालों में तो मैंने आपको बताया था किस तरह से कर रहे थे ठीक है यहाँ पे जो था यहाँ पे इक्वली ट्रीट किया जा रहा था बेटों की तरह समझा जा रहा था ये इसी तरह समझेंगे जैसे उसके स्टेप सन में आप कह सकते हैं बेटों की तरह ये ट्रीट करता था अभी मैं आगे बताता हूँ कि जो है शमसुद्दीन अल्तमश के जो है उसके पास तो इसी की बेटी थी ना कौन है यार मैंने अभी मना तो किया पहले आप लोगों ने आप बोलना नहीं है ठीक है क्लास में दिल्ली सल्तनत थी उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसका पीरियड आप लिख लें 1206 से लेके 1210-11 का पीरियड है ये वाला पीरियड है 11 में जब इसकी डेथ होती है कुतुबुद्दीन ऐबक की पोलो खेलते हुए ये मरा था वैसे तो जब इसकी डेथ होती है तो इसका एक गुलाम है कौन शमसुद्दीन अल्तमश यहाँ पे कौन आ रहा है जी अल्तमश मैं लिख रहा हूँ तो आप पूरा देख लीजिएगा ये इसका गुलाम है ये भी ठीक है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम है ये किसके गुलाम थे ताबुद्दीन गौरी थे और इसने अपनी बेटी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी का रिश्ता जो है वो किसे दिया हुआ था शमसुद्दीन अल्तमश को इसकी बेटी इसके घर थी इसका बड़ा लंबा रूम है यहाँ पे ये तकरीबन 1211 से लेके कहाँ तक है 36 तक का अभी बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक उसका फोन सिर्फ अभी अटैक किया है वो अभी सर्वाइव ही नहीं कर पाया ना मैंने आपको बताया तो 1191 से लेके 1206 तक है क्योंकि तो एक्सपेंशन कर रहा था वो बेचारा ठीक तो 1206 में वो लिख दिया ये दिल्ली सल्तनत के ऊपर लिख दिया फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली भी कहलाता है जी ये शमसुद्दीन अल्तमश फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली इसने जो ये रीजन है पूरे का पूरा ये वाला इसे क्या किया एक्सपेंशन की तरफ भी गया और देन स्टेबलाइजेशन की तरफ भी गया यहाँ पे एक और चीज याद रखनी है डी 40 का कॉन्सेप्ट सुना हुआ है किसी ने क्या होता है जी स्लेव नहीं थे इधर से नहीं ये आया है ऑटोमन से कॉन्सेप्ट तुर्क से ठीक है तुर्क में ये था कि जो उनके सारे के सारे यानी कि कमांडर्स जो आज की कैबिनेट नहीं है इस तरह तुर्क की जो कैबिनेट होती थी उसे कहते थे डी 40 ठीक है तो यहाँ पे उनका रोल बड़ा इम्पोर्टेंट रहना है उनको जेन में रखा डी 40 ठीक है तो ये 40 जो है ये एक्चुअली वहां से थे क्योंकि ये कहाँ से घुर से आया था यानी रात वाले रीजन से तो ये वही तुर्क वाली सारी कैपेबिलिटीज जो है एडमिनिस्ट्रेशन भी वहां से ये लेके आए थे
तो ये इनके सारे वजीर थे, यानी कि वजीरों की जो कैबिनेट है आप कह सकते हैं वो क्या कहलाती थी, 340 कहलाती थी। इसमें मिलिट्री कमांडर भी होते थे, जैसे आज डिफेंस मिनिस्टर भी है, इकोनॉमिक मिनिस्टर भी है, फ्लाम मिनिस्टर भी है। तो इसी तरह जो डिफरेंट पेजेस के लोग होते थे वो इसकी कैबिनेट बनाते थे और उससे नाम क्या देते थे, D40 का। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। गुड, अच्छा जी, अब होता क्या है, अल्टमस जब एक्सपेंड करता है देन एग्रीकल्चरल और टैक्सेशन वगैरह इस तरह की चीजों के ऊपर काम करता है। जब ये लास्ट के अपने डेज में जाता है 36 से पहले 35-34 में होता है, तो इसे जो इसके तबीब है वो बता देते हैं कि नाउ यू आर गोइंग टू एक्सपायर। तो उसको जब ये आइडिया होता है तो वो अपनी ही लाइफ में अपनी बेटी को रजिया सुल्ताना, जिनका नाम आपने सुना होगा, उसे वो अपना जानशीन मुकर्रर कर देता है। तो 1236 से लेके 1240 तक वो रूल करती है। हाँ जी, हाँ जी, आप तो बड़े फैन हो उसके, होना चाहिए जिसको पता। वैसे रजिया सुल्ताना का सारे नाम सुनते आ रहे हैं लेकिन किसी को क्लैरिटी नहीं होगी बस, और CSS भी कर जाना, लेकिन थोड़ी सी क्लैरिटी के साथ जाएंगे तो थोड़ा बंदा वैसे कॉन्फिडेंस में रहता है कि मुझे चीजें आती हैं। इंटरव्यू में लेट्स सपोज कोई पूछ लेता है तो थोड़ा बहुत तो आइडिया होना ही चाहिए। तो ये रजिया सुल्ताना, इससे बड़े कमाल के काम थे वैसे। ये वाकई फेमिनिस्ट थी, 1236 से लेके यार मैं अब कितनी दफा इनको कह चुका हूं, अब नेक्स्ट यही है कि क्लास से बाहर का रास्ता होता है, उस पोजीशन तक तो मैं ले जाना नहीं चाहते। 1236 से लेके 1240 तक हमारे टीचर थे, वैसे हमें पढ़ाते थे एडमिनिस्ट्रेशन, वो बड़े ही रिलैक्स रहते थे, यानी कि चिल मोड में रहते थे, लेकिन जब इस तरह की कोई चीज होती थी तो बस सिर्फ ऐसे करते थे, दूसरी दफा नहीं कहना पड़ता था कि उठे और बाहर जाए। तो आप उस पोजीशन पे ना लेके जाते हैं, अगर बोलना है तो हम क्लास बंद कर देंगे, इतनी देर बोल लें आप 2 मिनट, फिर हम स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, रजिया सुल्ताना का काम चेक करें कि एक्चुअली शी वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इसके वालिद को पहले ही पता चल गया था कि ये कमाल की गजब की लीडर रखती है। तो यहाँ पे फिर आप गुलमाकराम भी आते हैं, तो D40 ने इसके अगेंस्ट कैंपेन स्टार्ट कर दी कि आप एक फीमेल को कैसे जो है मुस्लिम ग्रुप का जो है हेड बना सकते। तो उसके वालिद ने किया था, तो उसने कहा था ठीक है जी, आप इसके ऊपर कोई बात नहीं होगी तो ये ही रहेगी। हालांकि इसके भाई भी थे, ठीक है, इसका स्टेप ब्रदर भी, आगे मैं बताता हूँ कि होता क्या है। अब होता ये है कि जब ये आती है ना तो ये पहले तो जेंडर इक्वालिटी की बात करती है, ये कहती है ये क्या किया हुआ है आपने, मस्जिद में सिर्फ मर्द जाएंगे औरतें नहीं जाएंगी। तो ये खुद मस्जिद में पहुंच जाती थी खिताब करने के लिए लोगों के लिए, ठीक है, जामा मस्जिद दिल्ली के अंदर ये खुद चली जाती थी और जाके लोगों से खिताब करते, ये प्रॉब्लम चाहते हैं इनका क्या सोल्यूशन है तो मुझे बताना चाहता है तो आके बताया। दूसरा ये है कि न्यूट्रल जेंडर अटायर इसने कहा था कि कपड़ों का भी ये जो डिस्क्रिमिनेशन आपने की हुई है ना ये भी खत्म करें आप, कि औरतें ये पहन सकती हैं ये नहीं, मर्द ये पहन सकते हैं ये नहीं, तो न्यूट्रल जेंडर अटायर की इसने बात की। दूसरे नंबर के, तीसरे नंबर के ये है कि पोलिटिकल थाट्स इसने बड़ी डिवेल्प की, यानी कि यहाँ से थोड़ी सी पोलिटिकल थाट्स अपनी डिवेल्प करना शुरू की। और यहाँ पे इनके एडवाइजर कौन है, D40, अब उन्हें तकलीफ होना शुरू हो गई कि ये क्या कर रही है, औरत हो के हम पे हुक्म चला रही है। तो इन्होंने फिर इसे असैसिनेट करवा दिया, मरवा दिया D40 में। समझ आई है मेरी बात की, अब इन्होंने मरवाया पता है कैसे था, इसके बाद में आगे नेक्स्ट सेक्शन लिखूंगा इसी के साथ। ये थोड़ा सा अगर किसी को नजर ना आए इधर इसको बंद कर सकते, इसका जो है ना इसको मरवा के इनका एक स्टेप ब्रदर था इसका मुइजुद्दीन बहराम। मुइजुद्दीन बहराम को D40 ने कहा कि हम आपको बादशाह बना देंगे, ठीक है, तो आप अपनी जो स्टेप सिस्टर है इसको कहीं ना हमारे साथ जो एंगेजमेंट करके इसको हम असैसिनेट करवाते हैं। तो ये प्लान बनाया था इन्होंने, तो ये D40 के साथ मिल जाता है इसका भाई वो जो मुइजुद्दीन बहराम है, और इस तरह जो है रजिया सुल्ताना को 4 साल का जो एक शॉर्ट सा पीरियड है उसके बाद क्या कर दिया जाता है, असैसिनेट कर दिया जाता है बेनजीर भुट्टो। तो मुइजुद्दीन बहराम आ जाता है। हमने हिस्ट्री से वैसे सीखा नहीं है, मैं भी यहाँ पे एक और बात करता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। जी जी, ऑफ कोर्स लोग यहाँ से स्टार्ट ले लेते हैं लोग, आप तो कह रही हो ना कि आगे जाके कहीं मुझे कोट करना है, लोग स्टार्ट ही यहीं से ले लेते हैं।
किस तरह की बोल्ड लेडीज भी भाई इस्लाम के अंदर आई हैं जिन्होंने काम किया है। जी जी मुस्लिम्स के लिए तो स्पेशली क्योंकि उससे पीछे तो कहीं हमें दूर दूर दिए यही तो मैंने इसीलिए तो दोस्त दी 40 ने मरवा दिया था। अब भी कोई अजीब करेगा तो बाहर वो जो फेमिनिस्ट वाले हैं वो यही तो कहते हैं कि अभी जो कोई बाहर बात करता है उसके ऊपर क्रिटिसिज्म आता है। उस वक्त भी यही प्रॉब्लम हुआ था जब ये जाके लोगों से खिताब कर रही थी तो डी 40 पैट्रियॉक सोसाइटी थी पूरी की पूरी डेड पैट्रियॉक की थी तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता था कि इस तरह की कोई चीज जो है वो यहाँ पे चले। तो ऑफकोर्स इन्होंने फिर मरवा भी तो दिया, 4 साल के पीरियड के अंदर अंदर सारा कुछ खत्म भी तो करवा दिया डी 40 ने। तो जब किसी के रूल को चैलेंज करोगे तो उसका रिस्पॉन्स भी तो आएगा ना। तो मैंने यही तो बताया क्या हाँ, यानी कि थोड़ा सा कह रहे थे अपने आप को सस्टेन करवाती देन उसके बाद तो फोर्स उसकी एक अपनी पॉलिसी का फेलियर होगा तो जिसका रिजल्ट्स भी उसके सामने आ गए। ये 1236 से 1240 तक है। अच्छा ये अब 1240 से 42 तक ये आ जाता है मुजद्दीन बहरा। अगेन जब ये थोड़ी सी पावर लेके फिर काम करना शुरू करता है तो डी 40 कहते हैं कि ठीक है इसको भी मरवा दो तो डी 40 इसको भी असैसिनेट करवा देते हैं। हाँ जी ये एस्टैब्लिशमेंट है ट्रूली ठीक है यहाँ पे। हालांकि कैसे वो भी थे कि हम न्यूट्रल हैं लेकिन मरवा के भी कहते थे कि न्यूट्रल है। मुइजुद्दीन बहराम जो है जी इसे मरवा देता है। डेट्स लिखने की जरूरत नहीं है मैं बार बार कह रहा हूँ बस आपको सिर्फ थोड़ा सा स्लेट डायनेस्टी के बारे में और वैसे भी अगर इस तरह आप बना के रखेंगे ना तो जस्ट एक छोटा सा मैप ही बनेगा ना। मैं कौन सा कह रहा हूँ आप पूरी डिटेल इसमें जाएं बस एक थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए चीजों का जेनेरिक सा। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता वो यूपीएस वाला सिस्टम नहीं है कि वहां से पूछ लेगा क्वेश्चन। यहाँ से इस तरह क्वेश्चन आता ही नहीं है। डेट्स याद नहीं रखनी आपने वो तो मुझसे भी आगे पीछे हो जाती है बार बार। मुइजुद्दीन बहराम के बाद फिर इसका एक गजल आ जाता है जी अलाउद्दीन मसूद। इसे भी दी कोटी लेके आते हैं आगे। वैसे बड़ी एक मजेदार डेवलपमेंट होगी अभी कोश रहेंगे तो फिर ही मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। अलाउद्दीन ये 42 से 46 तक है। वैसे जस्ट नोट्स में आपने लिख लीजिएगा लेकिन आपने अगर लिखना है तो पूरे एम्पायर का लिख लीजिएगा कि ये जो स्लेव डायनेस्टी है इस पूरे का पीरियड जो है ये 1206 से लेके 1291 तक है। 1290 तक ये पूरे का सिर्फ आप पूरे स्लेव डायनेस्टी का अगर पीरियड लिखना चाहते हैं आप सिंपल ये वाला याद रखें बस कि 1206 से लेके 1290 तक ये पीरियड है स्लेव डायनेस्टी का बस। बाकी का आप इतना ना याद रखें कोई मसला नहीं। नहीं 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 के तो मेरे बेटों की बात ही नहीं की थी। उसकी बेटी थी तो उसने बेटी किसको दे दी थी अल्तुतमिश से आगे बात चली जाए। सगा भाई ये नहीं था स्टेप ब्रदर था इसका ठीक है। तो ये स्टेप ब्रदर पे पहले भी उसके वालिद को डाउट्स थे थोड़े बहुत कि ये कुछ उल्टी सीधी हरकतें करेगा तो इसीलिए तो उसने अपनी जिंदगी में इसे अनाउंस कर दिया था ठीक है। अलाउद्दीन मसूद जो है फिर देन जो है इसको मरवा के तो फिर किसे लाया जाता है इसके बाद नासिरुद्दीन नहीं अब ये थोड़ा सस्टेन करेगा नासिरुद्दीन किससे है और बड़ा कमाल का काम किया अभी मैं बताता हूँ आपको। नासिरुद्दीन महमूद जी नहीं नहीं अलाउद्दीन नहीं नहीं ये वैसे इसकी नेचुरल डेथ होगा तो मुइजुद्दीन को वो करते हैं और अलाउद्दीन नासिरुद्दीन महमूद आता है।
किसके मैं वैसे दोनों लिख लूं उसके बाद फिर लिखिएगा मैं पूरे होता जाता उसके बाद मैं यहां पे लिख देता हूं आपको नसीहत महमूद के बाद है गयासुद्दीन बलबन बस मैं बल्कि यहां तक समझ लें नसीहत महमूद जब आता है ना तो यहां पे भी डी 40 मौजूद है अब इनमें से ना डी 40 में से एक बंदा आता है गयासुद्दीन बलबन वो क्या करता है अपनी बेटी दे देता है इससे नसीहत महमूद को ठीक है ये अल्लाह लोग सा बंदा होता है यानी रिलीजियस लिटरेचर और इस तरह की चीजें करता रहता है और असल पावर कौन ऑन कर लेता है गयासुद्दीन बलबन और बाद में गयासुद्दीन बलबन इसे हटा के फिर खुद पावर भी ले लेता है तो पहले क्या है डी 40 में से इसका जर्नैल है नसीरुद्दीन महमूद का ठीक है उसका जो जर्नैल है वो कौन है गयासुद्दीन बलबन बस ये खत्म हो गया एक और रह गया गयासुद्दीन बलबन क्या है इसका जर्नैल है वो क्या करता है जब नसीरुद्दीन महमूद आता है तो ये इसको अपनी यानी कि गयासुद्दीन बलबन अपनी बेटी देती है इससे ये मैं दो और कलर में लिख रहा हूँ क्योंकि अब जो है वो ये रिलीजन सॉरी जो है फैमिली वाला स्ट्रक्चर खत्म हो गया है अब आगे जो है डी 40 खुद रूल करना शुरू कर देता है डिक्टेटरशिप आ गई है ठीक है यहाँ पे कौन है जी गयासुद्दीन बलबन गयासुद्दीन बलबन जो है ये इधर फैमिली स्ट्रक्चर में से नहीं है ये डी 40 में से है और ये क्या करता है ये अपनी बेटी इसे इसका जर्नैल था पहले यानी कि डी 40 में से था और देन बाद में इसको हटा के खुद रूल कर लेता है ठीक है और गयासुद्दीन बलबन का जो है जर्नैल होता है मुइजुद्दीन का बच्चा तो वो इसको हटा के फिर खुद वो आ जाता है तो यहाँ से फिर आगे नेक्स्ट पे मुइजुद्दीन का बच्चा ना याद रखे कोई मसला नहीं जरूरी नहीं है बस अगर नोट्स नहीं पे छोटा सा बना के रखना है तो लिखिए मुइजुद्दीन बलबन मैंने भी वैसे ये हजार साल की हिस्ट्री सिर्फ इतने से पोर्शन पे लिख दिया बस ये 1000 की जो है इसकी तस्वीरें पड़ी हुई इसका बैकअप रखा हुआ है ये एक ही पेज बस ये 1000 ईयर की हिस्ट्री है पूरे के पूरे बस इतना सा देखना होता है जब भी देखना वैसे इसके लिए जो रियल बुक है वो दो तीन है जिनको पढ़ के ये मुइजुद्दीन का बच्चा जो है देन ये और इसके बाद लास्ट जो आता है वो कौन है जलालुद्दीन खिलजी वो इसका कमांडर है और वो इन सब को हटा के फिर स्लेव डायनेस्टी खत्म कर देता है और कहता है कि खिलजी डायनेस्टी काम कर तो बस लास्ट यहाँ पे एक नाम और लिखते हैं और ये ओवरऑल बस ज्यादा इस पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं आता यहाँ से तो बस एक जनरल सा आइडिया होना चाहिए जलालुद्दीन जलालुद्दीन ये इसका कमांडर है सर ऊपर ये 340 है जी आप ये 40 वाला रूल आगे मैंने बताया ना कि एक डिक्टेटर जा रहा है तो दूसरा डिक्टेटर आ रहा है 340 का पार्ट दो फर्दी दोबारा इस पोर्शन को समझ लेने यहाँ से स्टार्ट करें कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक का जी दिल्ली सल्तनत पे उसके बुनियाद रखी उसका गुलाम जो था वो अल्तमश है अल्तमश को इसने अपनी बेटी दी और देन इसने रूल किया 1211 से 36 तक काफी एक्सपेंड किया और स्टेबलाइज किया अच्छे काम किए और उसके बाद जब 36 में इसको पता लगता है कि बस अब मेरे लास्ट डेज चल रहे हैं ये इसे अपॉइंट करता है रजिया सुल्ताना को 1236 से 1240 तक ये इसे डी 40 मरवा देते हैं देन इसको मरवाते हैं इसका स्टेप ब्रदर है मुइजुद्दीन बहराम तो ये आता है देन इसको असैसिनेट करवा देते हैं देन इसका कजन आ जाता है अलाउद्दीन मसूद और उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद आ जाता है नसीरुद्दीन महमूद की तरह से 20 ईयर के रूल करता है कितने बनते हैं 56 और 66 के करीब बनता है ना तकरीबन यही बनता है 66 तक ही जाता है मेरा ख्याल है हाँ 66 तक गया 1246 से ये 20 साल रूल करता है इसका भी थोड़ा लंबा रूल है और इसका लंबा रूल पता है किस लिए है क्योंकि डी 40 उसके साथ खड़े हैं एस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि ठीक है आप करते जाओ काम समझ आए कि नहीं क्योंकि इसने अपनी बेटी दे दी थी इसे तो ये बस अल्लाह अल्लाह करता रहता था ठीक है लिटरेचर के साथ और इस तरह के काम करता रहता था तो बाकी कुछ नहीं कर रहा था मुइजुद्दीन जो है वो देन उसके बाद और ठीक है
यहाँ पे इस तक अगर ये कहते हैं तो लिख देता हूँ, इतना कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये एक डायनेस्टी हमारा स्लेव कंप्लीट हो जाता है, दूसरा जल्दी से देख लेते हैं शांति हो रहा है, एंड करना है या इसका एक कर लें स्लेव के बाद अगर कहते हैं तो कर लेते हैं। मेरे ख्याल में तो जल्दी, जैसे मेरा जो अपना प्लान था वो यही था कि 1526 तक आके बस इसे एक लेक्चर में ये सारी चीजें हो जाए, लेकिन इसमें आधा घंटा क्योंकि ये मॉर्निंग वालों में और इवनिंग वालों में बड़ा डिफरेंस है, मॉर्निंग वालों का पेशेंस लेवल बहुत ज्यादा था तो इवनिंग वाले थोड़ा बैठने पे ये अच्छा। चलो अगर मेरे ख्याल में 1526 तक इसे हमें वाइंड अप कर देना चाहिए और दूसरे पीरियड में 1526 से 1857 और उसके बाद हम अपने रियल पोर्शन पे आए जहाँ पे अभी काम करने की जरूरत है, तो ये कोई इतना याद करने वाला काम नहीं है ना, इसमें आप पे बर्डन नहीं आ रहा है, ये सिर्फ हम शेयर कर रहे हैं, इसमें से कोई आपने ज्यादा लंबा चौड़ा याद नहीं रखना, काम नहीं करना, ना ही जाके इस पे सर्च करनी है, ये इतना मोर देन इनफ है, बस अपने जेहन में एक स्केच बना लीजिएगा, इस पे नहीं आपने टाइम जाया करना किसी ने भी, एक जनरल स्केच है इसको बना ले अपने नोटशीट में, इसको बार बार देखते रहें बस, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन यहाँ से आर्गुमेंट ड्राइव कर सकते हैं आप, तो वो इसीलिए आप पे बर्डन नहीं है, जब मुझे पता होता है ना कि इस पे इनको रिसर्च करना पड़ेगी तो वो मैं शॉर्ट टॉपिक कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई आपने काम एडिशनल नहीं करना, तो यहाँ पे जलालुद्दीन खत्म हो जाता है। जलालुद्दीन जो है ये देन अपना एम्पायर बना लेता है, तो जहाँ से खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट होता है, पांच माह तो बाकी रह गए हैं, आपके लिए मैंने उन्हें कहा कि सर ये कंसेक्टिव लेक्चर ही रखें आप, ये नहीं है कि हफ्ते में एक लेक्चर आ रहा है, दो आ रहे हैं, तीन आ रहे हैं, हाँ जी वो आपने और आप ठीक है, नहीं तो वो इसीलिए कहा था कि ताकि ये जल्द से जल्द चीजें खत्म हो, कंपल्सरी खत्म हो, ताकि ऐसे की तरफ आए और ऐसे से जल्दी से जल्दी ऑप्शन की तरफ, एक दफा आप उसमें से चीजों से गुजरे तो सही ना, दो माह तीन माह पहले मेरे ख्याल में एक दफा सिलेबस आपकी नजरों से गुजरा होना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन राइटिंग की तरफ आए, देन उसके बाद आप फाइनल की तरफ, तो जितना इसको डिले करोगे इट्स आई थिंक ये आप लोगों के लिए नुकसानदेह है, जल्द से जल्द इन चीजों को कवर करें और उन एरियाज पे काम करें जहाँ पे काम करने की जरूरत है, मैं आपको बताऊंगा तीन चार पोर्शन है वहां से क्वेश्चन आता है, उन पे हम थोड़ा सा डिटेल बात करेंगे, बाकी जो है वो चीजें चलते चलते हम देख लेंगे, उन पे काम करने की जरूरत नहीं है। खिलजी डायनेस्टी जो है इसका फाउंडिंग फादर कौन है जी? जलालुद्दीन खिलजी। ये इतना कोई लंबा डायनेस्टी नहीं है, वो एंड हुआ है ना 1290 में, तो 1290 में ये स्टार्ट होता है और 1320 तक जाता है, 30 साल तक खिलजी डायनेस्टी। Excuse me, sir. जी सर। सर कैमरा। जलालुद्दीन खिलजी। अच्छा जलालुद्दीन खिलजी का भांजा है अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी से देता है मरवा और खुद करता है दूर, चार साल के बाद वो कहता है बस अब आप बूढ़े हो चुके हो आपको इतनी जरूरत नहीं है, 1290 से 96 तक ये रूल करता है जलालुद्दीन। अब देख लें ये मुसलमान क्या कर रहे हैं और हमें ये कहते हैं कि जी हम इस्लाम के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं, इस्लाम में तो है कि मन कतल नफ्स बिगैर नफ्स नौ फसाद फिलहाल, जिसने किसी नफ्स का कत्ल किया उसने जो है जमीन में फसाद बर्पा किया, और मन कतल नफ्स का एक और है यकतुल मोमिन मुतअम्मिदन फजज़ाउ जहन्नम, और जो किसी मोमिन को अमदन कतल करेगा उसकी सजा जहन्नम है, तो ये क्या कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं। इंडियन मूवी ये भी बनी थी इस पे जो पद्मावत, उसमें भी इसको पोर्ट्रे किया गया था। जी जी वो पद्मा भी इसी के कॉन्टेक्स्ट में है सर, ये बात कर रहे हैं किसके
ना 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 स्लेव डायनेस्टी कुछ नहीं आके खत्म किया खिलजी ने। रूल रूल कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं था कि इससे उसका डिस्टिंग कर दिया अपने आप, उसी को कंटिन्यू रखा। इसने तो आके पिछले को कहा कि वो सारा खत्म हो गया, यहाँ से एक नया सफर शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद कौन आ जाता है? नाउदी। ये तो फिर अपील होता है, इसका पीरियड बहुत स्ट्रॉन्ग पीरियड आता है। ये मैक्सिमम इसी का ही है 1200। ये है 1300-1600। इसने पहले तो जलालुद्दीन खिलजी को मरवा दिया, मामूद था उसे कहा आप सो जाए। ठीक है, उसको ये करने के बाद देन ये करता है एक्सपैंड पूरा जो खिलजी डायनेस्टी है। अब अगेन ये जो दिल्ली वाली है सल्तनत, इसको किधर लेके जाता है? साउथ की तरफ। ठीक है, नीचे वाला जो इंडिया है उधर जाके एक्सपैंड करता है सत्तर और ये वाले सारे रीजन और इधर भी। और देन ये सारा जो अभी चल रहा था क्या नाम है इसका मैसूर वाला कर्नाटका वाली स्टेट और यहाँ पे सारा ये एक्सपैंड है। पहला काम ये करता है एक्सपेंशन का। दूसरा ये है कि एक्सपेंशन के साथ साथ देन स्टेबिलिटी भी लेके आता है, वहां पे अपनी पोस्ट टाइम चलता है, ये ना कल को यहाँ से रिवोल्ट हो जाए, तो दूसरा काम ये करता है। तीसरा काम ये करता है कि टैक्सेशन सिस्टम बड़ा कमाल का लेके आता है, रेवेन्यू सिस्टम। यानी कि अंपायर जब टूटती है तो इसे बताया गया था कि ये अंपायर टूटती है बिकॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट, तो इसने कहा था कि ये रेवेन्यू सिस्टम बनाने इसको मैंने बड़ा स्ट्रॉन्ग करना है, तो रेवेन्यू सिस्टम को इसने बड़ा अच्छा कमाल का बनाया था। देन इसने ये भी कहा था कि सर यहाँ पे जिसने भी बिजनेस करना है तो पहले वो परमिट लेगा या लाइसेंस मिलेगा उसको, स्टेट लाइसेंस देगी, उसके अलावा बाकी लोग जो है वो बिजनेस नहीं कर सकते, यानी कि रजिस्ट्रेशन होगी हर बंदे की। ये नहीं है कि जैसे पहले चल रहा है जिसका बिल कर रहा है जो ला रहा है जो बेच रहा है। और आखिर पे इसने बड़ी कमाल की चीज की थी रूल ऑफ लॉ के ऊपर बात, तो रूल ऑफ लॉ का बड़ा बेस बदल के यही करता था। ठीक है ना, बेस बदल के जाके बाजारों में देखता था कौन क्या बेच रहा है और किस तरह बेच रहा है। तो इसका एक फेमस कोट है कि अगर बंदा यानी कि कम चीज तोल के देता है, यानी कि गोश्त लेट्स सपोज एक बूचर जो है वो कम गोश्त तोल के दे रहा है, तो जितना वो कम तोल रहा है उतना उसकी बॉडी से काट के उसको कुत्तों के सामने फेंक देता है या चीलों को खिला देता है, इतना लेवल का यानी कि आतंक है। कहता था कि अगर कोई बंदा लेस पे करता है यानी कम तोलता है तो उसका अजाला ये है कि उसके जिस्म से यानी कि उसकी रान से उतना गोश्त निकाल के खाए से उसको फेंक देना चाहिए, और उसके इतनी ज्यादा अगर स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी हो और रूल ऑफ लॉ हो तो क्या कोई इस तरह की जरूरत करेगा? वो तो आपको पता है पावर पॉलिटिक्स है, यही तो प्रॉब्लम रही है, यही मुसलमानों के जवाल की वजह है। सिविल वॉर हमेशा ये यहाँ तक नहीं रही, ये वेस्ट में भी जहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है जब वेस्ट के साथ कंपेयर करोगे तो वेस्ट में जो हो रहा था बादशाह अपने बेटे को बेटा अपने बादशाह को, ये तो अब आके ये इतने साल जीती रही है, अगर वो वाला पीरियड होता तो शायद ये बल्का भी अब तक कई सालों पहले मर चुकी होती। तो पावर का शौक हर बंदे को होता था, वो क्या था कि अगर पावर मिलनी है तो 20-30 में मिल जाए, 70 साल की उम्र में जाके पावर का क्या करना। तो ये जो है ना स्ट्रगल फॉर पावर या पावर पॉलिटिक्स रियलिज्म की कहती है वो एक्चुअली यहाँ पे थी हर बंदा। और यही एक बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पे वैसे अगर आपके माइंड में जो है, हमें और ब्रिटिश इंडिया में और उधर प्योर इंडिया जो यूरोप है उसमें फर्क पता क्या था? वहां पे आ गई थी क्या डेमोक्रेसी, एक सेटअप आ गया था कि गवर्नमेंट कैसे शिफ्ट होनी है, ट्रांजिशन ऑफ पावर कैसे होना है, जहां पे ये चीज मिसिंग थी। वो जो आप बात करते हैं कि गोरो ने हमें क्या दिया, उन्होंने ये ट्रांजिशन ऑफ पावर दिया कि भाई ये मारने मराने वाला काम था, अभी तो ये तो कुछ नहीं है, अभी आगे आगे मुगलों का तो देखें, बाप को कत्ल कर रहे हैं, भाइयों की आंखों में सिलाइयां डाल रहे हैं। ठीक है, जिससे हम बड़े नेक लोग समझते हैं ना, ये जो जिन्होंने मस्जिदें भी बनवाई हैं, अल्लाह के घर भी बनवाए हैं, लेकिन उसका हिसाब कौन दे रहा है? जी दोनों बैलेंस करते रहे, यही अभी आगे आगे देखने का। ये अकबर से पहले जो है बाबर हुमायूं ने क्या किया था? ठीक है, हुमायूं के बाद शाहजहां के साथ क्या हुआ है? औरंगजेब ने क्या किया? शाहजहां को कैद कर दिया था,
तो ये आगे आके स्टोरियां बनाते हैं आप, ये जो हमें बताते हैं कि ठीक ये बस खत्म करने लगे अलाउद्दीन खिलजी जी, और अलाउद्दीन के बाद इसकी अब ये आप बातें सारी लिख दीजिएगा। इसका जो है ना अलाउद्दीन खिलजी के साथ भी इस तरह ही होता है जी। अलाउद्दीन खिलजी का एक बहुत ही क्लोज दोस्त होता है जी, वो भी D40 में से मुझे लगता है एक था जो इधर चला आ रहा था, मलक कपूर है शायद उसका नाम। जी जी नहीं, वैसे हारने के बाद इख्तिताम का मतलब अगर ये कह सकते हैं कि डायनेस्टी की एक्सपेंशन जो है वो इनफिनाइट तो नहीं होती ना, कहीं पे जाके उसने रुकना तो होता है, तो आप कह सकते हैं कि वहां पे उससे आगे फर्दर एक्सपेंड ना कर सका, हार गया चलो ठीक है। यही बात इसका एक बहुत ही क्लोज दोस्त था मलक कपूर, वो इसे मरवा देता है, बल्कि खुद ही मार देता है मलक कपूर जो है वो इसको मार देता है, और देन इसके दो बेटे हैं उनको भी वो मार देता है। इसे सिकंदरे सानी का नाम भी दिया जाता है, सिकंदरे सानी का नाम दिया जाता है इसे अलाउद्दीन खिलजी को। मलक कपूर जो है वो इसका बड़ा क्लोज एक जनरल होता है, इसके दो बेटों को बर्बाद देता है, एक बेटा बच जाता है मुबारक खिलजी, तो उसके बाद फिर मुबारक खिलजी आ जाता है 1316 में, और देन वो 1320 तक रहता है। मलक कपूर का पीरियड नहीं है, यानी कि वो चाहता है कि पावर में कंट्रोल कर लूं, लेकिन उसके दो बेटों को मरवा देता है अलाउद्दीन खिलजी को, तो एक बच जाता है, तो वो फिर मलक कपूर को मार के खुद अपने कंट्रोल पावर अपने आप में रखते हैं, पावर नहीं जाने देते वो मलक कपूर। किसका? मुबारक खिलजी। उसके बाद एक जो बचता है वो मुबारक खिलजी, और उसके बाद तीसरा वही आ जाएगा मुबारक। ये 20 साल का बस यहाँ पे डायनेस्टी खत्म हो गया। ये 1316 से लेके 20 यहाँ तक दो डायनेस्टी आगे अब आई थिंक इसको ब्रेक कर देना चाहिए, शुरू भी कर देना चाहिए। बाकी यहाँ तक किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो आगे दो रह गए हैं तीन, वो हम देख लेंगे, इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे, तो थोड़ा सा क्विक रिवीजन आइडिया हो जाए। इस पे आप लोगों ने कोई मजीद काम नहीं करना, ये जितना है इट्स मोर देन एनफ, बस इसको थोड़ा जेन में रख लीजिएगा अपने नोट्स में, और यहाँ से कोई क्वेश्चन आना नहीं है। एफपीटी में भी ये जहाँ से पूछ सकता है, छब्बीस के बाद कल वाला आज वाला लेक्चर थोड़ा सा एक फाउंडेशन बिल्ड करने वाला ताकि आइडिया हो जाए। हाँ हाँ कल से करके ठीक है जी। तो थोड़ा सा क्विक रिवीजन में सबसे पहले वो डिजिटलाइजेशन जो है वो है 4000 में, उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद आर्यन 1300 में, आर्यन की देन आगे हिंदुइज्म, और हिंदुइज्म के बाद जैनिज्म बुद्धिज्म, और बुद्धिज्म के बाद फिर इनका अटैक है जी पर्शियन का, पर्शियन के बाद इनका अटैक है जी ग्रीक्स का, ग्रीक्स के बाद का फिर जो है कौन सी चंद्रगुप्त अंपायर मौर्यन अंपायर आ जाती है, देन उसके बाद मौर्यन अंपायर की एक्सपेंशन है, मौर्यन के बाद देन फ्यूडलिज्म, देन गुप्ता अंपायर, देन गुप्ता अंपायर के बाद फिर मुस्लिम मुस्तान हो जाएगा 712 से। उसमें दो हमने पढ़ लिया है, एक कौन सा है जी पहले पढ़ने वाला ग्रेट डायनेस्टी वो 1206 से लेके 1290 तक, और दूसरा 1290 से लेके 1300 चलो करते हैं।